making a mark. His girl's firing, no, making it short. He's on his bark, his best inside. Check all his art, he'll make you cry crazy. Why? अरे अरे जरा संभाल के, जल्दी गाड़ी में चढ़ते हो, कहीं गिर गए तो? लाइफ में रिस्क लेना चाहिए सर। क्या रिस्क की बात करते हो, हड्डी पत्ती टूट गई तो? कॉन्फिडेंस सर, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस? अरे क्या कॉन्फिडेंस की बात करते हो बेवकूफ, गिर गए तो? सर मुझे गाली मत दो सर, आज सबसे अच्छा दिन है। अच्छा दिन? आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? मैं मामूली आदमी नहीं हूँ सर, मैं बहुत खास आदमी हूँ। हर कोई अपने जन्मदिन में मिठाई बांटता है, मगर मैं इन सबको टिकट बांटूंगा फ्री में। लेकिन सबने तो टिकट ले लिए। कोई बात नहीं सर, मैं पैसे देके टिकट ले लूंगा। पैसे लीजिए, टिकट दीजिए, हमें भी टिकट दो, हमें भी पैसे लीजिए, हमें भी दीजिए, हमको भी टिकट दो, हमको भी। ठीक है, ये सबके टिकट मैं रख लेता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तुम लोगों को अकल है या नहीं? अपना प्यारा दयालु भाई सबके लिए टिकट ले रहा है और तुम चुपचाप बैठे हो। भाई तुम्हारा नाम क्या है? सर वीरू नाम है मेरा। वीरू? अरे वीरू भाई के लिए सब लोग जन्मदिन की हमेशा वही ट्यून अच्छी नहीं लगती। कौन सी ट्यून अच्छी लगती है आपको भाई? मेरी अपनी धुन है सर, सब लोग अपनी जगह बैठे रहो। ए टिकट बता, टिकट 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 बता। हमारे सबके टिकट इन्होंने खा लिए सर। सर कौन है वो? सर भगवान है सर। क्या है तुमको भगवान लगते हैं? ए हीरो, क्या इन सबका टिकट तुमने खरीदा है? हाँ सर, बस के अंदर सारे टिकट मैंने खरीदे। वेरी गुड वेरी गुड। आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेला सफर करूंगा, लेकिन भिखमंगों की तरह ये लोग चढ़ गए सर। हम लोग सर, मेरे पास टिकट है लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं, ये लोग बिना टिकट के आराम से बैठे, ये क्या है सर? इसका मतलब इन सबके पास टिकट नहीं है क्या? मुझे इससे कोई मतलब नहीं सर। सर बिना टिकट सफर करने पर आप क्या करते हैं सर? 500 का फाइन डालते हैं। और अगर नहीं दिया तो? नहीं तो 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए। हाँ, अरे भाई पूरे 1 साल की जेल होगी। ओ, 1 साल की जेल। बैठिए 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 बैठिए। 4 का 40, 4 का 40 क्या है? टिकट या जेल? ये लो, मुझे भी टिकट चाहिए। आपके लिए टिकट क्या? आप खुद ही टिकट है, आपके लिए फ्री। डिस्काउंट डिस्काउंट है, डिस्काउंट है। हेलो, क्या है ये सब? कुछ नहीं सर, हमारे इलाके में छोटा सा फंक्शन है, उसी के लिए कलेक्शन। कलेक्शन? हाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए, क्या तुम सब लोगों के पास टिकट है? रखिएगा। ठीक है सर, की तो ब्लैक टिकट देखी थी मैंने, बस में तो पहली बार देख रहा हूँ। इसे हाँ भाई, ये लो आपका हिस्सा। ये क्या है भाई, इतनी मेहनत करते हैं और 200 रुपए देते हो? इसी से काम चलाता रहा, अगले हफ्ते बड़ा काम है। बड़ा काम? ट्रेन में? प्लेन। फ्लाइट है क्या? अगले हफ्ते रानी का बर्थडे है ना, तब तो मैं जबरदस्त पार्टी दूंगा। रानी मतलब आपकी बेटी? हाँ, ये ठीक रहेगी। हाँ भाई, अच्छी तरह से पोस्टर लगा देते हैं, मजा आ जाएगा। चिपका चिपका। अरे क्या लड़की की फोटो चिपका के खुश हो रहा है? अरे वीरू, मैं जवान होती तो तेरे से ही शादी कर लेती। Nacho, nacho, nacho.
नाचो 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 रे भैया नाचो 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 हमरी तरह तुम नाचो ओ सुंदरा क्या अच्छा है क्या है बुरा तुझे रास्ते पे देखूं जो ओ सुंदरा दिल मेरा धड़क धड़क गया ओ सुंदरा तुमको तो देखूं रे पास आना दूर जाना जाना है बुरा चैन मिला देख तुझे जानिया नाचो 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 रे भैया नाचो 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 हमरी तरह तुम नाचो हमारे इलाके की लड़की की पब्लिसिटी करो। अगर तुम्हारे इलाके की लड़की बालिग होती है तो तुम लोगों को पोस्टर चिपकाना चाहिए, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, शिवा ने किया, वो भी टिकट ब्लैक करके। मैं कुछ नहीं जानता, पोस्टर चिपकाना मना है। तुम लोग हमारे इलाके की लड़की को लाइन मार सकते हो, लेकिन हम लोग तुम्हारे इलाके की लड़की का पोस्टर नहीं चिपका सकते। नहीं डाल सकते हो तो सारे पोस्टर को फाड़ कर फेंक दो। नहीं फाड़ूंगा, पिछले साल भी इसी तरह एक और गैंग आई थी, पता है उसका क्या हुआ? बता रहे, पता क्या हुआ था? यही हुआ था। अरे हट हट। मेरा मिलना यूं दिलों का खिलना। अरे चल, बातें बातें।
शेर के साथ नहीं, बब्बई शेर के साथ पंगा ले रहा है ठोकर से। कौन है वो? यही है वो। यार हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, केल पियो। अरे ये क्या कर रहा है, पागल हो गया? मिक्सिंग मिक्सिंग खिला खिला खिला, ये खा। बजाओ रे। मैं एक शरीफ इंसान हूँ, औरों के सामने मारकर मेरा अपमान मत करो। मैं एक अनाथ हूँ, तुम्हारा टाइगर कुमार। क्या तुम टाइगर हो? ए, ये कैसी भीड़ है, क्या झगड़ा है यहाँ पे? नहीं साहब, यहाँ के आके बाढ़ के पिक्चर देख रहे थे, किसने झगड़ा किया क्या पता उनका? बताओ। आप भी कमाल करते हैं सर, झगड़ा करने वाले कभी पता बताते हैं। मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा सर। कौन है आप, क्या आपने झगड़ा किया? नहीं नहीं मैं नहीं सर, ये झगड़ा किसकी वजह से हुआ, वो कहाँ रहता है, मैं उसका पता बताऊंगा। नंबर 18 ही है ना? 18 ही है। ये क्या साहब, मैंने आपको लफंगे का पता पूछा मगर आपने तो अपना ही बता दिया। वो लफंगा मेरा बेटा है सर। कोई शक? उसकी माँ से जाके पूछ लो। नहीं चाहिए सर, वो अंदर पूजा कर रहा है, चुपचाप जाओ और उसको पकड़ लो, नहीं तो वो भाग जाएगा। ठीक है सर। Come on! आवाज मत करो, जाओ जाओ। ठीक है, come on, come on। पुलिस पुलिस, भाई राजू, यही पर हूँ। मना कर दो माँ, पता मैं नहीं मुझे बेटा, आप डरो मत। हाँ डरो मत, डरो मत, आ गया बेटा। थैंक्स माँ, प्लीज इसे ले जाओ। चल अरे चल, झगड़ा किया। माँ तो अपने हाथ से खाना खिलाती है लेकिन पुलिस के हवाले नहीं करती। क्या बेकार के डायलॉग बोल रहे हो? बच्चे का तुम छोड़ो, मैं बात तो बात करना। चल चल चल, ये क्या है सर, कोई रिस्पेक्ट नहीं। रिस्पेक्ट? जानते हैं मेरे पिताजी कौन है? तुम्हारे पिताजी ने ही तुम्हें पकड़वाया है। पिताजी, चिल्लाओ मत बेटे, घर वाले नहीं सुधार सके तो मोहल्ले वाले क्या सुधारेंगे? पुलिस से पकड़वाया, जब इनका डंडा पड़ेगा तभी तू सुधरेगा। आपके पिताजी अगर आप पुलिस के हवाले करते तब समझ में आता। मुझे औलाद भेजने की बात कर रहा है, देखा हीरो की स्टाइल देखा, मुझे नहीं लगता कि ये सुधरेगा। और लाड़ प्यार दो इसको, बहुत लड़ाई करता बहुत झगड़े करता। क्या नाम है तेरा? वीरू। वीरू सर, वीरू। पुलिस की बात आप तो बिना ब्रेक दिए मारते चले जा रहे हैं। तेरा नाम क्या है? शेरा। शेरा, ये ले ये ले। सर 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 सर, ये बहुत तेज दौड़ता है इसलिए इसे प्यार से शेरा कहते हैं। तेज दौड़ता है, क्या नाम है तेरा? मैंने तेरा नाम पूछा है, क्या नाम है बता मुझे।
सब बताता हूँ। साहब तक इसे मत मारिए, ये तो गूंगा है साहब। पहले क्यों नहीं बताया, क्या नाम है तेरा? भोला गणपत। भोला गणपत, लड़की बालिग हुई या नहीं हुई उसके बारे में सारे इलाके में पोस्टर चिपकाकर पब्लिसिटी करना जरूरी है क्या? क्या बात कर रहे हैं सर, 5 साल में एक बार आने वाले MLA और MP के इलेक्शन के लिए पोस्टर चिपका। बसंती का पोस्टर क्यों नहीं चिपका सकते सर? नहीं चिपका सकते। क्यों नहीं चिपका सकते? नहीं चिपका सकते सर, क्योंकि वो मेरी बेटी है। क्यों रे, स्कूल से इतनी जल्दी आ गया? भैया तुम बहुत जल्दी छूटे जेल से। किससे चालू हो गए, क्यों झगड़ा करते हो उसके साथ? भाई की जैसा रहते ही वो। अरे ए, मेरे बड़े भैया जैसे बर्ताव करना सीखो। देखा तुमने, इसके साथ प्यार से बर्ताव करो। अरे किसे चाहिए तुम्हारा प्यार? तू ये तो भगवान, मारो और मारो, किसी और का गुस्सा मुझ पे उतारो। अभी नहीं, अभी बहुत भूख लगी, खाना खाऊंगा फिर मारूंगा। अरे जेल से इसको कौन लाया छुड़ा के? ये है ना अपनी मदर इंडिया, पुलिस स्टेशन से छुड़ा के। क्यों लाए तुम इसको? क्यों नहीं, वो अपना बड़ा बेटा है इसलिए लाई। अपना बेटा तो क्या, वह कुछ भी बोलेगा क्या? जब देखो शराब पीता, लड़की छेड़ता है, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहता है। सुना माँ, इसलिए मैं घर नहीं आ रहा था। फिर क्यों आ गया तू? आपको बुरा ना लगे इसलिए। ओ, यहाँ पे बुरा मानने वाला कोई नहीं है, तू हमारा बेटा है, माँ ने यही सोच के तुझे रिहा करवाया जेल से। हमारी चिंता छोड़, नौकरी कर कहीं, क्योंकि मुझे किसी के नीचे काम करना अच्छा नहीं लगता। बेटा तू बात मत कर। नीचे काम नहीं करेगा तो क्या करेगा ये? बिजनेस, बिजनेस करूंगा। 6 महीने से 1 लाख रुपए मांग रहा हूँ, दिया आपने? कैसा बिजनेस? बिजनेस के बारे में पता तुझे? पता है मुझे, बिजनेस मतलब व्यापार। वीरू तू चुप बैठना। तुम चुप रहो माँ, आपके रियल एस्टेट का बिजनेस मैं भी कर सकता हूँ। एक इंसान पे भरोसा करके 25 लाख रुपए लगाए हमने, उसे निकालने के लिए जिंदगी नरक बन चुकी है। अगर वही 25 लाख मुझे दिए होते तो आज हम लोग जन्नत की ऐश कर रहे होते। अच्छा वो कैसे? धोखा खा जाऊं कि आपको मैं इतना बड़ा उल्लू लगता हूं? ए माँ, मैं पैसे उधार मांगने के लिए थोड़ी कर रहा हूं, 4 लाख रुपए बैंक में पड़े वही मांग रहा हूं। वो सारे पैसे तुझे दे के क्या हम लोग सड़क पे भीख मांगे? सुनिए, पराए आदमी को आपने 21 लाख रुपए दे दिए, अपने बेटे को 1 लाख नहीं दे सकते? तुम चाहे कुछ भी बोलो, 1 लाख तो क्या, 1 पैसा नहीं दूंगा इसको। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। तो मैं भी अपनी मर्जी से जीऊंगा। अगर अपनी मर्जी से जीना है तो यहाँ नहीं रह सकता तू। जाता हूँ। बाहर जाके मत बोलना कि मेरा बेटा है। आप भी किसी से मत कहना कि आप मेरे पिताजी हैं। ये क्या किया आपने, वो बिना कुछ खाए जा रहा है। अरे ये शाम होते ही वापस लौट आएगा, भूखे पेट गया है ना। करेक्ट डैडी, भैया ना 7 पराठे खा चुके हैं। किताबों का हिसाब रख, पराठों का नहीं। अभी नहीं पता चलेगी, मेरे जाने के बाद मेरी अहमियत पता चलेगी। अहमियत मालूम है तेरी? अगर तेरी जगह आज मैं गाय भैंस को पालता था ना, तो आज मुझे दूध घी मक्खन खाने को मिलता। अच्छा, भैंस को पालना इतना आसान नहीं है? तेरे जैसे भैंसे से तो अच्छा ही था। ऐसा क्या? ये भैंस क्यों लाया तू? भैंस पालने का शौक था ना, पालो। अब मैं इसकी सर्विस करूँ, यही चाहता तू? आपने कहा था ना भैंस पालना आसान है, मैं ले आया हूँ, अब पालो और खुश रहो। तेरे से तो अच्छा है इसको ही पालना, चला जा यहाँ से। अरे क्या, जा जा चल। अरे जाता हूँ। ओके। अरे वीरू। अरे जाने देना उसको, मैं भैंस को पालूंगा, अच्छे से पालूंगा। आज तक मैं अपनी जिंदगी में लाइफ बॉय से नहीं नहाया, काली भैंस तुझे नहला रहा हूँ। ये गोबर को भी साइड में। अरे और मोटी हो जा, खा खा के दूध तो निकाल लेते। अरे रुक, हाँ शांत है, हाँ ले ले। अरे बाप, अरे ये क्या कर रही है? ओहो, शुशु कर दी। बाप रे बाप, बदबू आएगी, मैं क्या करूँ? अब यही रह गया जिंदगी में, तेरे शुशु को साफ करूँ, टट्टी को साफ करूँ? कोई बात नहीं, दूध घी मक्खन ऐसे थोड़े ही मिलता है। बारिश कहाँ से हो रही है? अरे बाप रे, मेरे ऊपर पेशाब कर। जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं। हेलो पुलिस स्टेशन। इस भैंस को पालने के चक्कर में मुझे पुलिस स्टेशन के चक्कर लग गए। हर ये सब क्या है पिताजी, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती पता नहीं। आप मेरी एक छोटी सी बात मान लेते तो आपको इस तरह से पुलिस स्टेशन के चक्कर तो नहीं काटने पड़ते। अभी भी मेरी बात मान लो और घर चलो। एक बात मानी तो पुलिस स्टेशन आया, दूसरा मानू तो नरक चला जाऊंगा। आजा 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 आजा, 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 आजा। मैं तो ये सोच के डर गया था कि तू बिल भरने नहीं आएगा। क्या कुछ नहीं यार, बिजनेस के लिए पैसे मांगे तो ना बोल दिए। मेरे पिताजी तो कुछ हद तक सही हैं, मेरे पिताजी तो बस के लिए पैसे नहीं देते।
ये क्या तू हमेशा मैसेज में लगाता? अरे मेरा तो बाप ही नहीं है। सबके पिताजी ऐसे होते हैं क्या? फादर को तो गॉड फादर होना चाहिए, पर ये सब तो बैड फादर है। वो गूंगा है, वो अंग्रेजी में पूछ रहा है कि कैसे हो। आई एम रोशन सॉफ्टवेयर हाई टेक सिटी। इफ यू डोंट माइंड कैन आई टेक वन सिगरेट? मत देना यार। इफ यू कैन दे देते हैं, मांग रहा है, अच्छा आदमी है। ये लो, थैंक यू, उधर जाके पीता हूँ। विस्की गुड फॉर हेल्थ, कंटिन्यू। ओके गुड। तेरे पिताजी भी कमाल के हैं यार। सबके पिताजी एक जैसे हैं, हम सबको उल्लू बना रहे हैं। हेलो, आई एम रोचन हाईटेक सिटी। सिगरेट चाहिए क्या? ना ना ना, आपका नाम? वीरू, वीरू। वीरू कमाल का नाम है, नाइस हेयर स्टाइल, बहुत अच्छा। इफ यू डोंट माइंड थोड़ा थम्स अप। हाँ दे दे। इफ यू डोंट माइंड, नो प्रॉब्लम। ना अपने थोड़ा और थोड़ा। ओके। अमर, अमर। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू मैम। यार मैं जो सोचता हूँ वो होता क्यों नहीं यार? जिंदगी से तंग आ गया हूँ यार। जिंदगी में जवानी के अंदर प्यार आना चाहिए, उससे तंग नहीं होना चाहिए। इन 1947 नेल डेपोलन ने कहा था, आई एम रोशन। अभी तक तुम तीन बार बता चुके हो। अरे तुमने तो मुझे पहचान लिया। क्या मुझे कुछ नहीं, क्या चाहिए, सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक? ये थोड़ा सा, थोड़ा ये आप लोगों के लिए, पांचों के लिए। कोई भी अपने से प्यार नहीं करता, घर में मांगने से पैसे नहीं मिलते, बैंक में जाने से लोन नहीं मिलता। अबे सर, हमें क्या बैंक लोन देगा? हम लोग इतनी तरक्की करेंगे देखना कि बैंक को हम लोन देंगे। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। बीजू हाईटेक सिटी, क्या चाहिए तुझे? चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, विस्की? वो खाने से उल्टी होती है, आई एम फुल टाइम। लगता है तुम्हें ज्यादा हो गई है, तुम्हें ऑटो में बैठा? नहीं नहीं नहीं, आप ऑटो क्यों मंगवाएंगे? आप में से अगर कोई मुझे 5 रुपए दे देगा तो मैं खुद ही ऑटो ऑटो। मतलब तुम बिना पैसे के बाहर में चले? मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ। मगर तुम तो कह रहे थे हाईटेक सिटी से। मम्मी कहता हूँ हाईटेक सिटी ना, उसके सामने का जो बस स्टॉप है ना, वहीं पे उल्टा टोके। तुमने तो कहा था कि तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो। तुम्हें क्या होता है? गुबर है, गुबर है। नगर है ना, ये है 8 और ये 181। 8 के बाजू में 1 लिखने से सोचते हैं कि मैं दूसरे घर में चला जाऊंगा। आहा, आ गया ब्योड़ा नंबर 1। माँ, वो कंजूस बाप सो गया क्या? बाप सामने खड़ा दिख नहीं रहा ब्योड़े। ए, टाइम कितना हो रहा है? यही पूछने के लिए अभी तक जाग रही थी क्या? माँ, माँ भैया तूने कर आया है? चुप। अरे क्या कर रहे हो? बॉटल की साइज का है नहीं। तू क्यों मार रहा है? वो तो बहुत छोटा ना भी तेरे से। बेवकूफ है वो, जब वो मेरी उम्र का होगा तब उसे पता चलेगा। उसकी फिक्र मत कर तू, जब वो बड़ा होगा ना तो कलेक्टर बनेगा। बिल कलेक्टर भी नहीं बन सकता। कैसे सुधरेगा ये? मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होता अगर 1 लाख रुपए दे देते तो। अरे जमीन पे तो ठीक से खड़ा रहे। ऐसा क्यों तू कर रहा है बेटे? क्या करता माँ,
पैसे नहीं इसी गम में पी लिया, पीने के बाद बाइक गुम हो गई। बाइक हो गई? गुम गई, इसीलिए तो चल के आ रहा। पिताजी के मना करने के बावजूद अपने सोने की चूड़ियां बेचकर तुझे बाइक खरीद के दी थी। तू बुरा मत मान माँ, पैसा कमाने के बाद मैं तुझे गहनों से लाद दूंगा। गहनों के बाद छोड़, पहले बता बाइक कहाँ गिरवी रखी तूने? मैं कह रहा हूँ ना बाइक गुम हो गई, मैं पिया हूँ। अंदर कहाँ जा रहा तू? जब तक बाइक नहीं मिलती घर के अंदर मत आना, निकल जा यहाँ से। अरे निकल जा यहाँ से, चल भाग, बाइक के साथ ही लौटना जा। ले, अरे क्या बात है, क्यों फोन करके परेशान कर रहे हो? अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे बाद में बात करूंगा मैं तुमसे। अरे मैं कह रहा हूँ तुमको, फोन रखो, देखो फोन। क्या हुआ सर, आपकी भी बाइक मेरी तरह गुम हो गई क्या? नहीं साहब, मेरा तो पूरा सामान चोरी हो गया, मेरा सब कुछ उसमें था। क्यों? मैं बड़ी दूर से यहाँ पे काम करने के लिए आया था, बहुत इच्छाएं लेकर आया था, यहाँ पर काम करके पैसे कमाऊंगा, सब का सब धरा का धरा रह गया। चिंता मत करो बाबू, चिंता मत करो, तुम यहाँ के देवी के मंदिर में जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। स्वामी बोलो, आग निकल आई है? हाँ बाबू, ये तो बहुत खूबसूरत है। हरिओम पंडित जी, ये नई बाइक ली है, इसकी पूजा कीजिए। हाँ, ओम भूर्भुवस्व, आई एम रोशन फ्रॉम हाईटेक सिटी, वीरू फ्रॉम मुंबई सिटी। शायद हम दोनों ने एक ही रंग की बाइक बुक करी हो। क्या हम दोनों ने एक ही नंबर बुक किया? हो सकता है कि कंपनी वाले कंफ्यूज हो गए और दोनों को एक ही नंबर दे दिया हो। क्या, सारी बातें छोड़ो और मुझे मुबारकबाद दो। छोड़ो छोड़ो पंडित जी, आप जरा वीरू को बोलिए। क्या बोलूं वीरू को? अरे वीरू को बोलिए कि मेरा हाथ छोड़े, ये गाड़ी मेरी नहीं, इनकी है। पंडित जी मेरे नसीब में क्या है? अरे तेरे नसीब में तो टीवीएस 50 है। अच्छा, जा जा पार्किंग में लगी है। तुम जब हाईटेक सिटी की तरफ आओ तो मुझसे मिलाऊं। हरिओम, आज बहुत अच्छा दिन है, बाइक मिल गई। सुबह सुबह अच्छी आत्मा के दर्शन हो गए जो तेरी बाइक मिल गई। जाना मेरी
रे, मेरी सांसों में बसी है तू, आंखों में है बस तेरा ख्वाब रे, तू ही है दिल में मेरे, तुझको ये खबर है, तुझसे रे मुझको प्यार है, ओ जाने जाना सुन ले, रहना नहीं है तेरे बिन, ओ जाने जाना सुन ले, ये सारी दुनिया जानेगी जानिया, मैं तेरा हानिया, ओ, 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 जब से देखा रे तुझे, तू है मेरी, तू है मेरी, ये तुझसे मिला हूँ मैं, ये मेरा मुकद्दर है, बिन तेरे बिन तेरे संग मजा हमारे, हो सके तो आ मेरी ही तरह नजरें लड़ा ले, मेरा दिल बेताब है वो समझे ना इशारे, क्या करूं कहां जाऊं मैं, मुझको तो कुछ बता रे, ये सारी दुनिया जानेगी जानिया, मैं तेरा हानिया, ओ, 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 तू बन गई जाना मेरी, जब से देखा रे तुझे, तू है मेरी, तू है मेरी, ये संडे को दिखाई नहीं दी, संडे के दिन डैडी तो घर पर रहते हैं। तुम्हारे डैडी कहाँ पे जॉब करते हैं? बैंक में। ओहो, तब तो तुम्हारे डैडी के पास कैश ही कैश होगा। हाँ राजू, राजू हमें कोई देख रहा है। कहाँ? भैया भैया, रोज पढ़ाई के लिए छत पर आते हो या लाइन मारने के लिए क्या? क्यों रे, आज तक कोई लड़की पटी नहीं क्या? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ये सब कर रहा है, ये क्या है? उधर मीना और इधर फेमीना। क्यों रे बेटे लाल, तेरा बाप चंदू लाल बेडरूम के अलावा बाथरूम में भी सपना देखता है कि तू कलेक्टर बनेगा, मतलब तुझे देखने से नहीं लगता कि तू दसवीं भी पास कर पाएगा। माँ माँ देखो, माँ पिताजी देखो, बेटा लाइन मार रहा है। क्यों बेटे लाल, तेरा भाई बहुत प्यारा है ना? भैया वो कौन है? अबे मैं। वो तो मैं जरा कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, अपने प्यारे होने के बाद क्यों पूछ रहे हो? पूछ नहीं रे, आज सवेरे मंदिर में एक लड़की को देखा था, बता नहीं सकता कितनी सुंदर है, कमाल है यार। ओहो, तो उसका फिगर भी देखा था क्या? फिगर विगर की बात नहीं है तेरी, सॉरी भैया, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे वो लड़की एकदम सुपर है यार। वो देखो, कहीं वो तो नहीं है? अबे कोई लड़की है, बकवास है। फिर ये आंटी तो नहीं है? अरे वो तो किसी महल की रानी है, ये तो चाय कम पानी है। भैया अच्छा देखो, कहीं वो तो नहीं? ए, वही है मेरी सुंदरी। वही भाई, बाइक वाला भी नहीं दिख रहा, लेके उड़ जाता हूँ। है अपनी बाइक कहाँ है रे? वो लेके चला गया। आजा बैठ बैठ बैठ। मुझे मेरी बाइक मिल ही गई। जल्दी भैया, इच्छा पूरी हो गई। जल्दी पकड़ो उसे। अबे कुछ भैया उधर कितने जा रहे हो? अबे मेरी लवर इस तरफ जा रही है, मेरी लवर भैया, मेरी लवर रे। मेरा स्कूल का टाइम हो रहा है, लेट हो गया तो टीचर डांटेगी। मेरी लवर के लिए खुशी खुशी चला जाऊंगा। पुलिस बचाओ 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 बचाओ। कंट्रोल रूम, कोई हाईवे की तरफ एक लड़के को किडनैप करके ले जा रहा है। एक मिनट, चुप बैठ बोला। अच्छा ये बच्चे को किडनैप करके कहाँ ले जा रहा है? अरे किडनैप नहीं सर, ये तो मेरा भाई है। ये तेरा भाई है? मैं तो इसको जानता ही नहीं सर। सुन बेटे लाल, मीना वाली बात घर में बता दूंगा। सॉरी, ये मेरा भाई है। मीना कौन है? इसकी गर्लफ्रेंड। इस उम्र में गर्लफ्रेंड?
सर आपकी गर्लफ्रेंड बोलो दीपा क्या हुआ वो नेकलेस नहीं आया अभी तक सर चलो मैं देख लेता हूँ एक्सक्यूज मी ऑफिसर बाद में फोन करता हूँ दोस्त कम नहीं तो पावती फाड़ूंगा फिर यस नंबर आई एम रोशन फ्रॉम हाईटेक मेरी गाड़ी गुम हो गई है नंबर क्या है नंबर है AP09BA2095 कौन सा मॉडल जब मेरे पास आई थी तो 2007 के आसपास का था उसके आगे का मुझे पता नहीं जरा हाथ हटा के प्यारे ऑफिसर के सामने इज्जत से ये बाइक मेरी है क्या ये गाड़ी भी तुम्हारी है क्या मेरी है आपकी नहीं है अरे तुम्हारी गाड़ी तो मैंने मंदिर में दी थी ना तुमको वो सब नहीं ये बाइक मेरी है ओके तो ये वही गाड़ी है देखो प्यारे तुम तो बहुत लापरवाह हो थोड़ी बहुत सावधानी रखा करो मैं तुम्हारी गाड़ी हर जगह पे वापस नहीं लौटा सकता हूँ नहीं लौटा सकता थैंक्स नो चेकिंग हेलो बॉबी चुप बे भाई चोर कितनी बड़ी बात बोल अरे ये तो मेरी गाड़ी यहीं पे है सुनो तुम्हारी गाड़ी में क्लच प्रॉब्लम है रिपेयर करवा लेना थैंक यू ऑफिसर वेलकम सर वो अपनी गाड़ी ले जा रहा है मैं अपनी गाड़ी लेकर चला जाता हूँ सर आपकी गाड़ी कोई ले जा रहा है डोंट वरी ऑफिसर वो अपनी गाड़ी ले जा रहा है मेरे पास पैदल चलने का समय है मैं पैदल चला जाऊंगा थैंक यू ठीक है सर मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन चोर है और कौन मालिक सर अपनी बाइक जब वीरू आएगा तो तुम दोनों इसके साथ अंदर आ जाना ये सबसे पहले पिक्चर देखेगा और सबको बताएगा सर ये टिकट ब्लैक कर रहा है हाय दो वीरू ए रुक जा चल चल बताता हूं चल यार मैंने कहा था मंदिर में एक लड़की को देखा है ये वही लड़की है बहुत अच्छी है यू स्टूपिड ये कौन है जिसने उसकी कमर पर हाथ डाला अभी देखता हूं इसे बाप रे बाप रे लड़ाई में ये तो मेरा भी बाप है क्या बात है अरे सुन ले मेरे को हां चल अरे चल चल निकल ओके ओके नहीं भैया नहीं ऐसे कैसे छोड़ दो काट डालूंगा उसको जिसने छेड़ने की कोशिश की हटाओ ए, वो चार लोगों को मार के अपने आप को भाई समझता है हम है तेरे साथ उस लड़की का एक ही भाई है ना मगर तुझे तेरे साथ चार दोस्त हैं हम अपनी जान गवाकर भी तुझे बचा लेंगे तू ऐसा सोचता है वो उन लोगों को इतनी बुरी तरह से मार रहा था ए मेरी बात सुन तू उसको भूल जा वरना तू बेकार में ही उसके हाथों से अपनी जान गवा देगा सच कह रहा है सोचता हूँ तो तेरी बात सच लगती मुझे किसी ने उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की तो उसने उसे इतनी बुरी तरह मारा अगर उसे ये पता लग जाए कि मैं उसकी बहन से प्यार करता हूँ तो वो तो मुझे साथ में तुम लोग भी फंस जाओगे मेरे दोस्त मुझे उससे ज्यादा प्यारे हैं ऐसा कहूंगा सोचते हो तो गलत सोचते हो ए जानता है तेरी और उसकी औकात क्या ए प्यार में उम्र और औकात मायने नहीं रखती मेरी आवाज शायद आ भी जाए
लेकिन वो लड़की तुझसे नहीं पटेगी, ये कभी नहीं हो सकता, चाहे जमीन आसमान एक कर लो। ए, ये तो होकर ही रहेगा, मैं उससे आई लव यू कहलवा के रहूंगा, अब मैं उसके साथ ही तुमसे मिलूंगा, ये मेरा वादा है। मौसम बहुत गर्म है। हाय गाइस, शी इज प्रिया। हाय पीरो, ये सब बेकार भटक रहे थे इसलिए अपने ग्रुप में रख लिया। इधर आओ। इसको ये लड़की कैसे पटी होगी? गले के ऊपर छुरी रखकर प्यार के लिए मैं नहीं जाऊंगा। कैसे हो गया इतनी जल्दी? कुछ तो लफड़ा है। एक्चुअली यू नो व्हाट हैपेंड, वन फाइन हीरो बनना छोड़, नहीं तो मैं सारी सच्चाई बता दूंगी। क्या इसने आपको डायरेक्ट आई लव यू कहा? मैं स्टोरी बताऊं? कैसी स्टोरी? ए, कौन है तू? गुरु सर से मिलना है, वो घर पर है क्या? क्या काम है? मैं उनकी बहन से प्यार करता हूँ, उसी के बारे में कुछ बात करनी है। क्या 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 क्या? मैं उनकी बहन से प्यार करता हूँ, उसी के बारे में कुछ डिस्कस करना है। सर ऊपर भेज दो। सर उसे ऊपर भेज दो। ये मेरा जहां, ये घर मेरा आसियां। ला 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 ला। नमस्ते सर। थैंक यू सर। क्यों रे, क्या बक रहा था बाहर? नहीं नहीं, बक नहीं रहा था सर, सच कह रहा था। देख, आज मेरा जन्मदिन है। सर हैप्पी बर्थडे सर, मैं सही वक्त पर आया। टेंशन मत दे, पता तेरी कहानी। मेरा नाम वीरेंद्र है सर, सब लोग प्यार से मुझे वीरू वीरू कहते हैं। सर मैं आपकी बहन से दिल से प्यार करता हूँ। क्या बोलूं? हेलो, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। क्या बोल रहा था? हाँ बोल प्यारे। ए, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है भाई? हाँ कहिए सर। क्यों रे, प्रिया तेरे से प्यार करती है? ओ, आपकी बहन का नाम प्रिया है ना सर, नाइस नेम। मगर नाम जाने तो प्यार करने लगा? प्यार को नाम और प्रॉपर्टी से क्या मतलब सर? मैंने आपकी बहन को देखा, बेचारी उसने आज तक मुझे नहीं देखा। क्या तू मेंटल है? क्या है सर? देख, तेरे जैसे लोग जब किसी लड़की को प्यार करते हैं तो पहले वो उस लड़की को बताते हैं। अगर लड़की हाँ करती है मगर तेरी तो गाड़ी उल्टी चल रही है। सर वो तो पुराना स्टाइल है, मैं सोच रहा था कि मैं कुछ नया करूं। हाँ हाँ सर, अगर आप मेरे यहाँ आने की खबर अपनी बहन को देंगे तो वो मुझे देखना चाहेगी, फिर उसके बाद वो सोचने लगेगी। उसका सपना सच हो गया, फिर उसके दिल में भी प्यार की उमंगे जागने लगेगी। सर अगर आप चाहते हैं तो अपनी बहन को बताइए, वो मेरे बारे में जरूर पूछेगी। बहुत हो गया तेरा टर्टर, मेरा सेंटीमेंट है, मैं अपने जन्मदिन पर किसी का खून नहीं करूंगा। मेरे आँख खोलने तक चला जा। आजा आजा जल्दी आजा। सर अरे क्या कर रहे हैं? अरे इसको बाहर निकाल, नहीं तो खून हो जाएगा मेरे हाथ से आज इसका। बाहर के लिए गोली खानी पड़ी। बाहर निकल, निकाल इसको। चल, अरे मैं कह रहा हूँ चल। सर मारा जाएगा, गधे को बात समझ में नहीं आती है। पागल है साला, बहुत बड़ा पागल है। सर बंदूक दिखाया फिर भी निडर होकर खड़ा रहा, इसे आप पागल कहते हैं? क्या कहा? मेरे कहने का मतलब उसमें बहुत दम है, वो पागल नहीं है सर। जो लड़का अभी भी बाहर गया उसको अंदर भेजो क्विक। सर वो अभी साइकिल पर बैठकर निकल गया है। साइकिल पे जा रहा, साइकिल पे जा रहा है वो। साइकिल? हेलो। अरे भैया आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं। प्लीज भैया आप बताइए तो सही।
कोई पागल तेरे से प्यार करता है, वो सीधे आके मुझसे बोलने लगा यहाँ पे। मुझसे प्यार करता है? हाँ? सिली फेलो, दिखने में कैसा है भैया? हाँ? प्लीज भैया बताओ ना। फिर उसके दिल में भी प्यार की उमंग ही जागने लगेगी। तुझे क्या मतलब कैसा दिखता वो? सॉरी भैया। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, उसकी वजह से टेंशन में आ गया था मैं, रियली आई एम सॉरी। इट्स ओके भैया, जल्दी करो ना। अरे देखो भाई, भैया जल्दी, भैया जल्दी, भैया जल्दी। थैंक यू सर। ये क्या है, आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं और आप डोसा बना रहे हैं? इनके लिए इनकी बहन जान से भी ज्यादा प्यारी है, उसके बाद आता है बिजनेस और स्टेटस। सर फोन, मिस कॉल है। किसका फोन है? हेलो हेलो भाई, इस नंबर से मिस कॉल आया था। सर मैं हूँ सर, मेरे मोबाइल में सिर्फ 80 पैसे बचे थे इसलिए मिस कॉल दिया। कौन है आप? वही सर, सुबह मैं आपसे प्यार का इजहार करने आया था ना, मैं वही हूँ सर। मुझसे प्यार का इजहार करने आया था बेवकूफ? वही वही, आपसे आपकी बहन के बारे में बात करने आया था ना, आपके फैसले के बारे में जानना चाहता था सर। मेरा एक ही फैसला है, अगर मैं आ गया तो तेरे को काट के कबाब बना दूंगा। तू है कहाँ? कबाब सेंटर के पास सर। इडियट। कौन था भैया? वही जो सुबह आया था, बोले जो तेरे से प्यार करता वो पागल। वही मगर उसको मेरा नंबर कैसे मिला? सर कुछ देर पहले लाइन पे फोन करके माफी मांगने के लिए रो रहा था, मैंने ही आपका नंबर दिया। लैंडलाइन नंबर उसको कैसे पता? मेरे सेल पे फोन किया था। मेरा सेल नंबर उसको कैसे? लैंडलाइन, लैंडलाइन। सॉरी सर, सॉरी। वो एक धोखेबाज है, बच के रहना उससे। अच्छा ठीक है। भैया वो दिखता कैसा है? क्यों दिखाऊं उसको? चीची मैं भला उसे क्यों देखूंगी? नहीं तो इतनी उताली क्यों हो रही हो? अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उससे बच के रहूंगी। गुड़िया सच कह रही है। सुनो हाँ, टीवी मॉनिटर में उसका चेहरा रिकॉर्डेड है। हाँ प्रिया को दिखा दो। ठीक है सर। बेटी गुड़िया एक बार देखने से उसे याद रखोगी या उसका फोटो निकाल के दूं? जाओ बाप रे। Excuse me. Yes. You go. Idiot. Thank you. कहाँ गई? Oh, हाय हाय हाय। मैं उनकी बहन से प्यार करता हूँ। ये तो मेरा वही आशिक है। Hi. Hi. How are you? Fine. You how? Fine. आपको टीवी मॉनिटर में देखते ही मैं तो पागल हो गई। काम बन गया वीरू। अरे सुनो क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। प्यार जिससे करो वो सिर्फ हैंडसम नहीं, मर्द भी होना चाहिए, ऐसे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। अच्छे दोस्त है, गुड फ्रेंड। आप बहुत हैंडसम भी हो और साथ में जवान मर्द भी। थैंक यू प्रिया। इसके अलावा एक लड़की को और क्या चाहिए? दोबारा थैंक्स। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, कहीं चल के बैठे क्या? आप बुलाएंगी तो मैं नरक में भी आ जाऊंगा। नरक में जाने की कोई जरूरत नहीं, स्पोर्ट्स ग्राउंड में चले। कमाल कर दिया दोस्त तूने, एक ही दिन में प्रिया को कैसे पटा लिया। अच्छा ये बता पहली बार तुम लोग कहाँ गए? वीरू ये सब मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड? सॉलिड फ्रेंड। हाय आई एम वीरू फ्रॉम चिंचपोकली। चिंचपोकली? चिंचपोकली कहाँ? वेस्ट में स्टेशन के पास जो रोड है ना वहीं पर। वही रोड पर मेरे पहचान के पोस्ट में रहते हैं। वो आदमी वो तो पड़ोस में ही रहते हैं। हाँ। देखा आपने हम लोग कितने कम समय में कितने करीब हो गए। पहले होटल चले या पार्क? पहले होटल चलते हैं फिर उसके बाद में पार्क। लेकिन क्यों? मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते बाद में घूमने जाते। हाँ, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद में फिर आराम से खेलेंगे। पहले किसके साथ खाओगे? प्रिया के साथ। प्रिया को नहीं हमें भी पकड़ना होगा। देखो ना प्रिया तुम्हारी फ्रेंड्स डबल मीनिंग बातें कर रही है। ये क्या जगह बदल गई? हम लोग होटल नहीं जा रहे क्या? जाएंगे क्यों नहीं, यहाँ पर मेरा ऐसा ही फ्रेंड है, पहले उससे मिलके चलते हैं। ठीक है जाओ मिल के आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। तुम्हें भी चलना है? चलो। नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन से एलर्जी है, मेरे खानदान में आज तक कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं गया, जानती हो? प्रेस्टीज का मामला है प्रेस्टीज। 1979 में मेरे पिताजी को स्टेट के आईजी की पोस्ट मिली थी, लेकिन
उन्होंने तय किया था कि पुलिस स्टेशन पे कदम नहीं रखेंगे, इसलिए उन्होंने नौकरी को ठुकरा दिया। फिर मेरे दादाजी ने कहा कि तुम छलांग मार के जा सकते हो, फिर भी वो नहीं गए। बताओ मैं कैसे जा सकता हूँ फिर उसके बाद? ए फ्लैशबैक पूछ के मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? आगे क्या हुआ, तेरी पिटाई की? पहले तो मैंने डरने का नाटक किया, अंदर जाने के बाद वहाँ अपने पहचान वाला एसआई पांडे मिल गया। तू नहीं जानता हम दोनों बहुत करीब हैं। वीरू जी आप यहाँ क्यों आए हैं? ऐसा कहा, मेरे बैठने के लिए कुर्सी दी। बस उसके बाद उसने कांस्टेबल को बुलाया और चार कोल्ड ड्रिंक और दो हार मंगवाए। वो क्यों? तुम्हें लॉकअप में मार के हाथ चलाने के लिए? शादी करने के लिए। लेकिन मैंने कहा बॉस पहले बिजनेस बाद में मिसेस। इसकी मत सुनो, ये फेकू चंद है, सच्चाई तो मैं बताती हूँ। दीदी आपको देख के मुझे अपनी स्वर्गवासी बहन की याद आ गई। अपनी बहन की याद आ गई? चलो शर्ट उतारो। दीदी शर्ट कैसे उतारूं, पीछे लेडीज है ना दीदी। छेड़खानी करते हुए तुम्हें नहीं लगता था कि वो लेडीज है? हाँ? ये क्या है हा? ये क्या है हा? क्या है ये? दीदी मैंने तो फेयर लव करूं लेकिन लेकिन आप अभी भी पिटाई कर रही हैं। अच्छा फेयर एंड लवली लगा के लव करेगा लव करेगा फेयर एंड लवली लगा के। ये लीजिए, मतलब अब तक जो तुमने बताया वो सब कहानी थी? फ्लैशबैक कोई भी सही सही बताएगा क्या, थोड़ी बहुत कहानी डालनी पड़ती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कॉलेज क्यों नहीं आए? मैंने भी यही सोचा था लेकिन मुझसे पहले ये कॉलेज कर लिया। प्रिया प्रिया प्रिया, लेडी पुलिस से पिटवाया तुम्हें, दोस्तों से भी गाली पड़ी, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रिया इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी तो शर्म के कारण मर गए क्या? फिर से ट्राई किया, वही मैं भी कर रहा हूँ। हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फोन करके बताओ। किसको बताओ? मेरे पिताजी को। मुझे क्या जरूरत है उनको बताने की? मैंने तुम्हारे भाई को बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे पिताजी को बताओगे, तुम नहीं करती। बताया तो पीछे छोड़ दोगे? कोशिश करूंगा। ओके नंबर बोलो। 9963555449। प्रिया ये तुम्हारा नंबर है? ठीक है ठीक है, नाइस नंबर। एसएमएस करके बताओ कहाँ मिलना है। आई एम ऑलवेज खाली, बाय, सी यू। हाय मोना, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, क्या करूं? तुम्हारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बंगलों के सामने कुत्ते होंगे, उनके मुंह में बिस्किट होगी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं करता। ओ, 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 ये क्या है मोना, तुम खुद ही कट करती हो फिर खुद ही कॉल करती हो, वेरी बैड हैबिट यार। हजार बार कह चुका हूँ प्रिया मेरी जान है, मैं प्रिया की चटनी खाऊंगा, प्रिया का पापड़ ही खाऊंगा, प्रिया से ही शादी करूंगा। मच्छर कैसा दिखता है और तू प्रिया से शादी करने चला? हाँ मच्छर रात भर सोने नहीं देता, जानती हो ना। मेरे भैया से कह दिया ना तो ऑल आउट करके रख देंगे। पहले हम मरने का नाटक करेंगे फिर धीरे से उठकर उड़ के निकल जाएंगे। तो कितना भी उछल प्रिया तुझसे प्यार नहीं करेगी। प्रिया को मैं प्यार करने पे मजबूर करूंगा, मैं ये मोटी की कसम खाता हूँ। मैं भी इस मोटी की कसम खाकर कहती हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। हाय फिर तुम यहाँ? आज तो संडे है, कम से कम आज तो छोड़ दो मुझे। संडे मंडे क्या है प्रिया, ऑल डेज लविंग डेज, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार नहीं करती लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली। मतलब क्या, हमेशा के लिए भैया भाभी और बच्चे, बर्थडे हो तो चॉकलेट, खर्चे के लिए 10,000 रुपए, इसके अलावा क्या करेंगे? मगर मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, जान दे सकता हूँ प्रिया। सच में? तो फिर कूद के जान दे दो। जान देने का मतलब यहाँ से कूद कर मरना नहीं है प्रिया। तो फिर कल अगर तुमने मेरे प्यार को मान लिया तो हमारी शादी होगी, शादी के बाद सुहागरात, और उसके बाद मैं तुम्हें एक जान दूंगा, मतलब बेटी बेटी दूंगा, मैं तुम और बेटी, छोटा परिवार सुखी परिवार। फिर बुढ़ापा आने के बाद मैं मर भी गया तो अपनी बेटी ही तुम्हें संभालेगी, जान देने का मतलब वही होता है। अब बताओ मुझसे प्यार करना कब शुरू करोगी? मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, जाओ। तुम मुझसे जरूर प्यार करोगी। कैसे कह सकते हो? प्रिया कॉन्फिडेंस, घोड़े की ताकत पैरों में होती है, हाथों की ताकत सूंड में, और वीरू की ताकत विश्वास में। तुम्हारे लिए मैं कोई भी रिस्क ले सकता हूँ। सच में लोगे क्या? ओके। रिस्क लेकर दिखाओ, रिंग लेकर आओ, मैं कॉन्फिडेंस देखूंगी। प्रिया मेरा कॉन्फिडेंस बहुत गहरा है, रिंग लाना जरूरी है क्या? जरूरी है, लेकर आओ।
तो फिर क्या अंगूठी मिली क्या दोस्त? ये पानी में गिर के मैं अच्छी पकड़ रहा था, अंगूठी क्या चीज है? क्यों दोस्त, अंगूठी मिली? नहीं मिली। मुझे पता था नहीं मिलेगी। अब बताओ मुझे कहाँ गया कॉन्फिडेंस? सुनामी भूकंप आने से भी ऐसा नहीं कहते कि भगवान नहीं है। रिंग नहीं मिली तो क्या हुआ, मेरी किस्मत है कि तुम मुझे मिल गई प्रिया। कैसी किस्मत? हाँ प्रिया, पहली बार तुम्हें मंदिर में देखा तभी तुम पसंद आ गई। सोचा पता नहीं तुम दोबारा मिलोगी या नहीं, लेकिन उसी दिन तुम्हें देखा, सोचा कि तुम्हें फिर से देखूंगा तो तुम मेरी जिंदगी में होगी। किस्मत तो देखो, उसी दिन मैंने तुम्हें थिएटर में देखा, जब भी मैंने तुम्हें याद किया तुम दिख गई। ये प्यार नहीं तो और क्या है? देखो प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफा प्यार को सपना कहते हैं। मेरी बात मानो, सपने देखना छोड़ दो। तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम मुझसे प्यार करोगी मुझे पूरा यकीन है। ओके, अगर तुम्हें अपनी किस्मत पर इतना ही यकीन है तो कल शाम 5 बजे से पहले मुझे ढूंढ के निकालो तो जानो। प्रिया तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अगर तुमने मुझे ढूंढ निकाला तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे भूलना होगा। ठीक। अरे उसके साथ क्यों शर्त लगाई, वो बहुत शाना है। तुम कहीं भी छुप जाओ वो मच्छर की तरह आ जाएगा। एक जगह है जहाँ वो नहीं आ सकता। कहाँ पर? वो मुझे सब जगह ढूंढेगा, मगर उसे क्या पता कि मैं उसके घर में ही छुपी हूँ। चलेगा बेटी, बैठो बैठो, कॉफी। आप क्यों ले आए अंकल? कुछ नहीं बेटी, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल गई, आ जाएगी। उसने कहा कि तुम रामलाल के यहाँ से आई हो, उनका ट्रांसफर हुआ है। वो अंकल पता नहीं वो कहाँ चले गए, मैं इस शहर में किसी को जानती तक नहीं, और शाम के 5 भी बजने वाले हैं। चिंता मत करो बेटी, तब तक तुम यहीं रहो, आंटी आती ही होगी। अगर तुम्हें अपनी किस्मत पर इतना ही यकीन है तो कल शाम 5 बजे से पहले मुझे ढूंढ के निकालो तो जानो। ये सब हमारे रिश्तेदार। हेलो अजी, मैं हूँ। हाँ क्या है? एक्सरे भूल गई। एक्सरे भूल गई? जो जरूरी चीज है उसको भूल गई तुम? ठीक है, मुझे जरूरी काम है, बाहर जाना है, वीरू के हाथ से भेजूंगा। जल्दी भेजवा देना। भेजता हूँ ना, जल्दी फोन तो रखो ना। ठीक है। हाँ हेलो वीरू। हाँ बोलिए पिताजी। तुम्हारी माँ एक्सरे घर पे भूल गई, उसको जाके अस्पताल में देके आ जा। मैं अभी नहीं आ सकता पिताजी। अरे बहुत जरूरी है ना। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया पिताजी? अरे तू जल्दी से आना। समझने की कोशिश करो पिताजी, आप चले जाओ ना प्लीज। पता नहीं कौन सा काम है इसको, माँ की तबीयत से ज्यादा जरूरी काम हो। बेटी मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ? तुम घबराना मत, अपना ही घर समझना, बोरियत लगे तो टीवी देखना। ठीक है। हेलो, वीरू के माता पिता हैं? हाँ। वीरू का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में, अर्जेंट आइए। उसको क्या हुआ? प्लीज भैया जरा तेज चलाना।
मैं क्या उनसे डरता हूँ?
ओके, अगर डरते नहीं हो तो रिंग पहनाओ। देखो, डर से रिंग का क्या संबंध? प्लीज वीरू पहनाओ ना। देखो प्रिया, तुम्हारे भैया माने या ना माने, हमारी शादी तो होकर रहेगी। पॉकेट में लेके घूमते हो क्या? उसी दिन से। तो पहले क्यों नहीं पहनाई? थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम था, सच कहूँ तो गिरवी रख दी थी। यू बदमाश। नहीं प्रिया, सोचा था जिस दिन तुम हाँ कहोगी उसी दिन पहनाऊंगा। और अगर मैं ना कहती तो फिर संगूठी का क्या करते? मैं अच्छे से जानता था कि तुम हाँ ही कहोगी। कैसे? कॉन्फिडेंस प्रिया, कॉन्फिडेंस। आखिर जो सोचा था उसे पा लिया। इसके बाद तो बस शादी है। थैंक यू। थैंक यू बोला ना यार। प्रिया वीरू के साथ? प्रिया क्या हुआ, चुप क्यों हो? कुछ नहीं। बताओ ना क्या हुआ। बताऊंगी तो तुम्हें दुख होगा। ठीक है बताओ। वो कुछ भी तो नहीं हुआ। बस यही ना, पता है मैं कितना डर गया था। क्यों, तुमने सोचा था भैया इनकार कर देंगे? क्यों, सोचा था कि भैया ना कह देंगे। ओके ओके, आइसक्रीम लाता हूँ। वीरू वीरू, टू कॉर्नेटोस। ओके। क्यों प्रिया, यहाँ पे कॉलेज नहीं गई? अपने दोस्तों के साथ आई हो तो तुम्हारे दोस्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो भैया वो उस तरफ गए हुए हैं। उस तरफ गए हैं? आइसक्रीम मैडम, आपको क्या चाहिए सर? तू यहाँ पे काम करता है तू? हाँ सर। और मैं मान लूँ? ओ, इसको मारता हूँ तो तुझे दर्द हो रहा है। क्या रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से प्यार करने की? ए, इसको इतना मारो कि प्यार भूल जाए। बैठ गाड़ी में। लड़ाई करनी है? हाँ हाँ। वो मेरी लवर है और वो मेरा साला, वो मुझे मारेगा तो चलता है, बीच में तुम लोग क्यों? हाँ जाओ। ए, रुक दे। लड़ेगा लड़ेगा, लड़ाई करनी, लड़ाई करनी, लड़ाई करनी, लड़ाई करनी है। लड़ेगा, जा। उसके पहले तूने ही आवाज की थी ना? साउंड साउंड अभी देता हूँ। Yes for Sai, V for Viru, Viruru nahi, V for Victoria. Priya, खा बेटा, भूख नहीं है। मेरी बात नहीं मानेगी, थोड़ा सा खा ले। नहीं खाना मुझे। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा तो खा। मैंने खाना नहीं खाया। हेलो प्रिया। फोन रख, पागल साला, रख फोन। प्रिया प्रिया। हेलो। अजय सुनते हो, अब प्रिया ने अपना हाथ काट दिया। हाँ? हाथ काट लिया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं।
मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, आप जल्दी आ जाइए। ओह शिट। तुझे यहाँ बुलाने का मतलब ये नहीं कि मेरी बहन की शादी तुझसे करनी है मुझे, बल्कि मेरी जान को बचाने के लिए। मेरी जान का मतलब मेरी बहन प्रिया। मैं आपके बुलाने पर नहीं आया, मैं अपनी जान बचाने के लिए आया। मेरी जान का मतलब मेरी प्रिया। ए, प्रिया को भूल जाओ और अपनी जिंदगी जी ले। मेरी बहन का और तेरा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। होगा सर, हम दोनों साथ में ही जिएंगे। वो नहीं होगा। जरूर होगा। ए, अगर ऐसा होगा तो तेरे को मार डालूंगा। मरने के लिए मैं तैयार हूँ सर। ये मेरी बहन तेरे से प्यार करती है, यही एक कारण है कि जिसकी वजह से तू आज तक बचा है। वो भी मुझसे प्यार करती है सर, तो हमें मिला क्यों नहीं? ये नहीं हो सकता। समझने की कोशिश कीजिए सर, आप विलन जैसी बातें क्यों करते हैं? विलन? कौन विलन? एक लड़की को इतनी मेहनत से पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया और उसकी शादी एक अच्छे खानदान के लड़के से करने की इच्छा है मेरी, ये इच्छा रखने वाला इंसान विलन हो गया? बगैर काम धंधे वाले लड़के के साथ उसकी शादी करा दूं, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं, वो मेरी बहन है, तू करोड़पति है क्या कहीं का? हाँ सर, शादी करने तक आपका मामला, मेरा मतलब आपके घर का मामला, शादी के बाद हमारा मामला, शादी के बाद आपके मामले को हमारा मामला बनाएंगे, सी प्रिया को डी प्रिया बनाएंगे, मामला बदल जाता है सर। इसे ही प्यार का पावर कहते हैं। यही है तुम लोगों की टेक्निक, ऐसी बातें करके तुम लड़कियों को धोखा देते हो। कौन धोखा देता है सर? लड़की की शादी करने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है, उसके बाद उसे सारी जिंदगी खुश रखना मेरा काम। क्या रखोगे तुम? प्यार करके लड़की को भगा ले जाना तुम लोगों का काम होता है, मुसीबत आने से उस लड़की को रास्ते पे छोड़ देते हो, उस वक्त उस लड़की का बाप भाई या कोई रिश्तेदार उसको सहारा देता है, तुम लोग धोखा देते हो, हम जिम्मेदारी निभाते हैं। मुझे फिलोसफी नहीं सुननी, प्रिया को कोई तकलीफ नहीं दूंगा, आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। क्या करेगा? आंसुओं को रोकने के लिए प्रोजेक्ट बनाएगा क्या? प्यार ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर। प्यार क्या है? मेरी बहन से शादी करने के लिए क्या है तेरे पास? क्या चाहिए सर? प्रॉपर्टी नहीं, दौलत नहीं, बुद्धि नहीं, पैसा नहीं। प्यार के लिए इन सब की जरूरत नहीं है सर, दिल अच्छा हो वही काफी है। प्रैक्टिकल 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 होके बात कर बेवकूफ। दिल है तो क्या हुआ? क्या कर सकता दिल से? एक किलो चावल खरीद सकता तू? तबीयत खराब होगी तो टैबलेट नहीं खरीद सकता? जीने के लिए दिल नहीं, दिल नहीं, पैसा जरूरी है, पैसा चाहिए पैसा। मेरी बहन बाहर जाके खाएगी तो 5-star होटल में ही खाएगी, और एक टाइम खाने के लिए उसको तुझे महीने भर काम करना पड़ेगा। तू तो कहीं भी सो जाएगा, मगर मेरी बहन को एसी रूम ही चाहिए, तभी नींद आती है। तुझे बाहर जाने के लिए कौन से रंग का शर्ट पहनना है ये सोचना पड़ेगा, मगर नहीं, बाहर जाने के लिए उसको कौन से रंग की गाड़ी में बैठना है ये सोचने के लिए कंफ्यूज हो जाती है। क्या तू जिंदगी में उसको मुझसे ज्यादा खुश रख सकता है? अगर वो खुश नहीं रहेगी तो मैं भी खुशी से नहीं जी सकता, इसलिए कहता हूँ मेरी बहन को छोड़ दे। यही बात अपनी बहन को क्यों नहीं समझाते? मेरी बहन नहीं मान रही है ना, तो मैं आपकी बात क्यों मानूं सर? यही तो मेरा दुख है, मैंने अपनी बहन की परवरिश बड़े ही प्यार से किया और मेरी बात को ना मानते हुए उसने अपना हाथ काट लिया। मैंने तुझ पे हाथ उठाया लेकिन तू उस बेइज्जती को भूलकर मेरे बुलाने पर यहाँ चला आया, क्योंकि लड़कियों से ज्यादा सेंटीमेंट लड़कों में हो, इसलिए तुझसे पूछता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में किसी के सामने हाथ फैलाकर कुछ नहीं मांगा, पहली बार तुझसे कुछ मांग रहा हूँ। मेरी बहन मेरी जान है, मेरी दुनिया है, मेरे सेंटीमेंट को समझ और उसे छोड़ दे प्लीज। ठीक है बॉस, आपका सेंटीमेंट में समझ गया, लेकिन मुझे आपके सेंटीमेंट से क्या सर? अगर आप कुछ सेटलमेंट करेंगे तो मैं अपना रास्ता बदल लूंगा। क्या 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 क्या, क्या, क्या सेटलमेंट? सेंटीमेंटल का मतलब सेटलमेंट बॉस। चल बोल कितना पैसा चाहिए? चीज आपकी है, रेट भी आप ही बताइए सर। 2 लाख चलेगा? क्या कहा? 2 लाख? सुनामी के लिए चंदा दे रहे हैं क्या? क्या है गुरु सर, क्या प्यार इतना सस्ता हो गया? हम लोग सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर उसके बजने से पहले उठते हैं और दूसरों को अलार्म सुनाई न दे उसे बंद करके अपने पिताजी की जेब से 5-10 रुपए चुरा कर गाड़ी में निकलते हैं, तो बीच रास्ते में गाड़ी रुक जाती है, तब पेट्रोल पंप पे जाकर आधा लीटर पेट्रोल डालिए सर कहते हैं, तब वो हमें नीच की तरह देखता है, उस अपमान को बर्दाश्त करके बस स्टॉप पहुंच जाते हैं। वहां पर एक सुंदर लड़की और उसके सामने हमसे भी अच्छा एक लड़का उसके इंतजार में खड़ा रहता है, उसको ओवरटेक करके आगे निकलकर लड़की के सामने खड़े होते हैं तो पीछे से एक हाथ आता है, पलट कर देखते हैं तो पुलिस। सर ये क्या है? पूछने पर कहता है चलो अंदर। इन सब चीजों का सामना करके लड़की के पीछे घूमने पर लड़की कहती है छी कुत्ते कमीने इडियट, तेरे घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या? कहते हुए मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को गाली बकती है।
इन सब को नजरअंदाज करके शर्म नाम की चीज को छोड़कर उस लड़की के दिल में धीरे धीरे जगह बनाकर उसके मुंह से आई लव यू कहलवा कर आज से तू ही मेरा राजा बाकी सबसे कहूँ जा सुनने तक हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये सब सुनकर कुत्ते की आंख में भी आंसू आ जाए सर। ओ पानी पीजिए पीजिए, ये सब सुनकर आपका गला सूख गया तो सोचिए हम लोगों का क्या हाल होता होगा सर। ठीक है चल दाम बता। फिर से कहता हूँ चीज आपकी है दाम भी आप ही बताइए सर। 20 लाख देता हूँ। 20 लाख में 25 लाख फाइनल। सबको गिनने की जरूरत नहीं है बराबर है सर। ये दो नोट नकली हैं। नकली नोट है हम लोग क्या घर में छापते हैं क्या? दो नकली नोट है तो एडजस्ट कर लो ना। हेलो अगर मेरा प्यार नकली होता तो ठीक था मगर मेरा प्यार असली है। दीजिए दीजिए देता हूँ। ये ले 500 का नोट है असली है ये। ठीक है तुझे कैसे मालूम पड़े नकली है? 100 रुपए दीजिएगा। 100 रुपए क्यों? ऑटो के लिए। ऑटो का हिसाब तो इसी में था ना। वो हिसाब अलग है ये हिसाब अलग है। दीजिए सर। अरे ये ले 100 रुपए भी और जा यहाँ से। हीरो अगर दोबारा तू आकर मेरे पास प्यार का नाटक किया ना तो। अब तक एक दूजे के लिए अब सिर्फ पैसों के लिए। चलता हूँ। ऐसी छोटी सी पेंसिल से लेकर अपने भाई की बेइज्जती मत कर। ये ले 1000 रुपए पेंसिल खरीद ले। 500 रुपए ये किस लिए भैया? गलत तो तू लिखता ही है उसे मिटाने के लिए रबर खरीद। माँ पिताजी जमीन बेचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं ना वो जमीन मैं खरीद लूंगा दाम बताइए। क्या कह रहा है तू? जानता था यकीन नहीं करोगे रुपए देख लो। पूरे 25 लाख हैं। कहाँ से चुराए इतने रुपए? बोल इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? इन रुपयों को देखकर आपको खुश होना चाहिए आप लोग शक कर रहे हैं। ए, तू अपने माँ की कसम खाकर बोल। बता तुझे मेरी कसम। सुनिए जी लगता है इसने कहीं पे डाका डाला है। ए, मुझे पता है 1 रुपया कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है इतना रुपया कहाँ से लाया? बोल रहे हम तुझसे पूछ रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। उस लड़की के भाई ने कहा मेरी बहन को भूल जा 25 लाख में सौदा किया तो सोचा प्यार जरूरी है पैसा मुझे लगा पैसा जरूरी है तो ले आया। ए, आज तक मैं समझती थी कि तू नालायक बेटा है लेकिन अब लगता है कि तू मेरा बेटा है ही नहीं। तूने प्यार को बेचा है एक लड़की का दिल दुखा के ये सारे पैसे तू यहाँ लाया है। तू इस जन्म में कभी नहीं सुधरेगा। ये सारे पैसे उठा के चला जा यहाँ से। नहीं माँ इन रुपयों से मैं कुछ आगे मुझे कुछ नहीं सुनना है चला जा यहाँ से। अब तक पिताजी घर छोड़ने के लिए कहते थे आज तुम भी कह रही हो। ठीक है पहले सोचा था अपने घर में रहकर कोई बिजनेस शुरू करूंगा बैड लक मुझे मौका ही नहीं मिला। चलता हूँ। ठीक है अगर पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। प्रिया कहाँ जा रही हो? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। वीरू से मिलने जा रही। वीरू से ना मिलो तो ही अच्छा है। क्यों ना मिलो मैं उसे प्यार जो करती हूँ। हाँ मिलो 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 लेकिन वो तो यहाँ से पैसे लेकर भाग गया। क्या बकवास कर रहे हैं? सच बताते हुए मेरा दिल दुख रहा है प्रिया अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारा भी दिल दुखेगा। वीरू ने तुमसे प्यार नहीं किया तुम्हारी दौलत से प्यार किया। मैं नहीं मानती। मैंने जिंदगी में पहली बार सच बोला। क्या स्वागत किया है तुमने उसका। उसने तुम्हारे भैया से रुपए लेकर तुम्हारे प्यार को अलविदा कह दिया। भैया ने आपसे ऐसा कहने के लिए? भैया ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप कुछ भी कहें मैं नहीं मानने वाली। प्यारे लाल सच बोल रहा है प्रिया। वीरू मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा मुझे यकीन है भैया। ठीक है रुपया लेने वाला अगर बता दे
तब तो मानोगी ना? नहीं लिया प्रिया। मेरे भैया ने ऐसा कहा। कहा था प्रिया, हमारे प्यार का सौदा करना चाहा। मेरी बहन को छोड़ दो, जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं माना। आखिर में जाते समय उन्होंने ऑटो के लिए 100 रुपए देना चाहा। मैंने कहा मुझे 10 रुपए भी नहीं चाहिए प्रिया। क्या सच में तुमने भैया से पैसे नहीं लिए? मुझ पर यकीन नहीं है क्या प्रिया? ऐसी बात नहीं है वीरू। प्रिया, प्यार एक पेड़ की तरह है और पैसा हवा की तरह। हवा आने से पेड़ हिलता है, लेकिन हवा से पेड़ गिरता नहीं। मैं ये बात तुम्हारे भाई से ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी भाइयों से कहता हूँ। प्यार को रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता। प्रिया, तुम्हें मुझ पर यकीन है? मेरे लिए यही बहुत है। राजा तू जादू है, एक पल तेरे बिना ओ अब नहीं जीना मुझे हो। अब मेरा दिल तो है रे बेकाबू है। मेरी जान मेरा दिल गया, तेरी सांसों से मिल गया, जमाना सारा हिल गया मेरी जान। Hey!
क्यों प्रिया, अब तो यकीन हो गया ना कि वो धोखेबाज है? छी, आपको भाई कहते हो, शर्म आती है मुझे। आहा? क्या प्रिया, क्या बोला उसने? सच बताया। सच बताया? क्या सच बताया? कि उसने आपसे एक रुपया भी नहीं लिया। क्या बोला उसने? पैसा नहीं लिया? उसने तुमसे झूठ बोला प्रिया, वो झूठा है, एक नंबर का कमीना। दोबारा कभी वीरू के बारे में गलत कहा ना तो मेरी लाश देखेंगे। प्रिया प्रिया प्रिया, ए फोन लगा उसको। हाँ सर, अर्जेंट आ जाओ लड़ाई के लिए। मैं भी लड़ाई के लिए तैयार हूँ। क्या वीरू बाबू, तुमने सर से 25 लाख रुपए लिए और प्रिया से कहा कि मैंने पैसे नहीं लिए। रुपए? कौन से रुपए? कौन सी लड़की? तेरी झूठ बोल रही है। आप शांत रहिए प्लीज। हाँ आप शांत रहिए। वीरू बाबू। बोलो बाबूजी। सर की बहन से प्यार किया? हाँ प्यार किया। सर ने क्या कहा? भूलने को कहा। तुमने क्या मांगा? रुपए मांगे। कितना मिला? 25 लाख। आ रहा है आ रहा है। मैंने कहा ना वीरू, तुमने पैसे लेकर प्रिया बेटी से क्या कहा? कहा कि नहीं लिए। क्यों धोखा दे रहा उसको? मुझे क्या जरूरत है धोखा देने की सर? तुम्हारी बहन को छोड़ने के पैसे लिए, ना कि उसे बताने के। इस बात को उसे बताने के लिए अलग से और लगेंगे। और एक सौदा सर, आप टेंशन मत लीजिए, बता कितना चाहिए बता। फिर से कहता हूँ, चीज आपकी है, दाम भी आप ही बताइए। 1 लाख। 1 लाख? सूखी रोटी खिलाओगे? देखो बेटा, सर इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर कीमत आप ही बताइए बताइए। 10 लाख। ठीक है। हेलो। बोलो। 100 रुपए। किस लिए? ऑटो के लिए। सॉरी, मैंने कार खरीद ली। हेलो वीरू। हाँ प्रिया आई है, उदास लग रही है। हाय प्रिया। हाय, मुझे तुमसे। हाँ बोलो। वो भैया ने मुझसे कहा कि तुमने दोबारा पैसे लिए, मगर मैं नहीं मानती। क्या है प्रिया, तुम परेशान क्यों होती हो? अपने भैया की बात मान लो ना। तो तुमने सच में पैसे लिए हैं? तुमने छुपकर सब कुछ देखा ना प्रिया, मेरे सामने नाटक क्यों कर रही हो? मैं जब स्कूल में था तब तो हरिश्चंद्र का नाटक किया, उसने हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई। मेरी एक्टिंग को देख कर सब लोग ताली बजाए प्रिया, प्रिंसिपल तो खड़े होकर सीटी बजाने लगे, जानती हो? फिर मुझसे नाटक क्यों करते हो? तुम्हें मुझसे ज्यादा रुपयों से प्यार है। तुम्हारे भाई ने उसी जान को लेने की बात की। अगर मैं तुम्हारे भाई के रुपयों को ठुकराता, कहता प्यार महान है, प्यार की कभी मौत नहीं होती, तो तुम्हारा भाई किसी आदमी को 2 लाख रुपए देकर मुझे मारने के लिए कहता, और अब तक वो मुझे मार भी डालता, और तुम्हारा भाई खुश होता ये सोचकर कि कम पैसों में काम हो गया। और इतना ही क्यों, मेरे पिताजी को अगर 2000 रुपए देता तो वो खाने में जहर मिलाकर मुझे मार देते। हम लोग बहुत गरीब है प्रिया। मतलब मेरे बारे में भी नहीं सोचोगे? तुम्हारा क्या प्रिया, मैं मर जाता तो तुम रोती 1 महीना या 2 महीना, तुम्हारा भाई दुख भुलाने के लिए तुझे अमेरिका भेज देता, उसके बाद तुम इंडिया को भूल जाती, और जब तुम इंडिया को भूल सकती हो तो मुझे क्या याद रखोगी? छी, प्यार को बेचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अच्छा पैसा मिला और मेरा दिल मान गया। प्यार के लिए तो तुम कुछ भी करने को तैयार थे। हाँ मैंने कहा था, मगर मैं बार बार तुम्हारे भैया से लड़ाई नहीं कर सकता प्रिया। छी, तुम पर यकीन करके प्यार किया, तुम्हें तो कहा करते थे ना कि प्यार से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। हवा के आने से कुछ नहीं होता प्रिया, मगर तूफान आने से पेड़ अपनी जड़ से उखड़ जाता है। और कुछ बाकी है क्या? मैं क्या कहूँ प्रिया, आमतौर पर कोई भी लड़की किसी लड़के को छोड़ने के बाद कहती है दूसरी लड़की से शादी कर लो, फॉर अ चेंज मैं कह रहा हूँ अच्छा लड़का ढूंढ के शादी कर लो। रिया, रोने के लिए मैंने तुमसे कहा था ना, रो मत। ऑटो क्या है? यहाँ पर रोड नंबर 42 का है, आगे जाके राइट ले लो। ओके थैंक्स। क्यों वीरू, तुम्हें चेक दिया था इसलिए बैंक में पैसे लेने के लिए तुम आए तो बैंक नजर नहीं आ रहा है, उसकी जगह कब्रिस्तान है।
कल जो बैंक था वो आज नहीं है तेरे प्यार की तरह। अभी तक तुमने नकली चेक देखा होगा, अब बैंक नकली देख ले। जानते हो कौन से बैंक का चेक दिया है? बैंक का कब्रिस्तान। इस चोर महाशय ने प्यार किया और उस प्यार को भूलने के लिए इनको रुपए चाहिए और उसके लिए इन्होंने मुझसे सौदा किया। मेरी बहन को ये पता न चले एक और सौदा। हर सौदे का अलग अलग रेट लगाया ताकि और पैसा मिले। आपके तो ठीक है सर, उस दिन मुझसे ऑटो के लिए 100 रुपए लिए। उसे सोच कर मैं रात भर फूट फूट कर रोता हूँ। ये मुझे ब्लैकमेल करेगा? मैं पैदा होने से पहले ही एक बिजनेसमैन हूँ। तू हिसाब करने के बाद जवाब देता है और मैं जवाब देने के बाद हिसाब करता हूँ। तेरे बदन में 15 किलो हड्डी नहीं और 30 किलो मांस नहीं, तू मेरे साथ गेम खेलता है? ए, इस खेल को यहीं खत्म कर दे, नहीं तो जिधर तू खड़ा वहीं तुझे दफन कर दूंगा मैं। ए, मैं दिखने में हाई क्लास लगता हूँ लेकिन अपनी पे आए तो तुझसे भी ज्यादा लो क्लास। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए मुझे। सर, कलेक्टर जी का फोन। एक्सक्यूज मी, हेलो। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। कौन बात कर रहा है? कलेक्टर जी का सर। हेलो हेलो, मैं कलेक्टर ही हूँ। जो लाखों रुपए इकट्ठे करता है उसे कलेक्टर ही कहते हैं ना? ये बेवकूफ नाटक कर रहा तू। अगर तू मेरे को एक बार मिल गया ना, तेरी हड्डी को ना तोड़ के मैं। कंट्रोल कंट्रोल, ज्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता साले साहब। मैं तुमसे ये बात नहीं बताने वाला था लेकिन तुम इमोशनल होकर मुझे शूट कर देते तो मैं स्लो मोशन में ऊपर चला जाता, इसलिए वाइब्रेशन की तरह चुपचाप चला गया। ए, क्या चाहिए तुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें देने के लिए फोन किया है। क्या देगा? मेरी और तुम्हारी बहन के प्यार को साबित कर दे। मेरे पास ऐसे रोमांटिक फोटो, लवली फोटो बहुत है। ए, क्या रे? गलत बात करता है। मैं बिल्कुल इज्जत से बात कर रहा हूँ। अगर आपको वो फोटोज चाहिए तो पैसों से भरा बैग मेरे हाथ में होना चाहिए। अगर नहीं दिया तो? क्राइम वॉच में आपका स्वागत है। मुंबई के मशहूर व्यापारी गुरु की बहन और वीरू की प्रेम कथा जोरों से चल रही है। वीरू के झटके से गुरु किस तरह कांप उठा, ब्रेक के बाद देखिए। डोंट मिस इट, क्राइम वॉच। अगर इस तरह की खबर टीवी, पेपर और इंटरनेट पे आ गई तो सोच लो तुम्हारी नाक तो कट जाएगी। ये। और उसके बाद तेरी बहन को लोकल तो क्या, एसटीडी आईएसडी से भी पति नहीं मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे आऊँ? सेम स्पॉट, बैंक ऑफ कब्रिस्तान। हाय डार्लिंग। डार्लिंग, कभी आए थे यहाँ पर? अभी अभी। हाँ। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो आधा घंटा देर से आता। क्या कहा, 15 किलो हड्डी और 30 किलो भेजा? सच है, मानता हूँ। सबका भेजा 1 किलो 100 ग्राम का होता है लेकिन मेरा भेजा तो 1 किलो 500 ग्राम का है। आपके बॉस ने हमें चेक दिया और हम कैश कराने आए तो यहाँ कब्रिस्तान निकला। जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा बैंक ऑफ कब्रिस्तान। कल आपने ओवर एक्टिंग की थी और मुझसे भी करवाई थी, आज ये आपसे ज्यादा कर रहा है। जब सुनने वाला बेवकूफ था तो किसी आदमी ने कहा कि महाराष्ट्र मेरा है। क्या कहा था? पहले आप जवाब देंगे और फिर हिसाब करेंगे। ये तो गलत है गुरु सर, पहले हिसाब करके फिर जवाब देना चाहिए। हाँ। ए, फोटो 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 दे। पहले रुपए उसके बाद फोटो। हाँ, ले और खोल करके ले ले। आपकी बहन के बारे में दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ये लीजिए फोटोज, नेगेटिव। चलता हूँ। क्या बोला तूने? तेरा भेजा 1 किलो 500 ग्राम का आया, एक गोली घुसी तो ठंडा हो जाएगा। इज्जत से सूटकेस वापस रख। मेरे रुपए से खरीदी हुई गाड़ी वहीं पे छोड़ के सीधे भाग। क्या देख रहे हो सर, शूट कीजिए, गोली का खर्चा मैं उठाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 85 रुपीज। ऐसा क्यों हंस रहा है? आप होशियारी जरूर दिखाएंगे, यही सोचकर कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट लिखा कर आया हूँ। मेरी जान को कुछ हो गया तो अगले दिन पुलिस आपके घर के सामने होगी। मेरे घर के सामने? हाँ, और इस खून के जिम्मेदार प्यारे मोहन होंगे, रिपोर्ट लिखा कर आया हूँ। अरे सर, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ, अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा छोड़ दीजिए। आप कल नीचे रखिए, इसने मेरे नाम की कंप्लेंट की है। कंप्लेंट डुप्लीकेट कॉपी लाओ भाई। गुरु सर, आप अगर नीचे गिरेंगे तो लोअर क्लास होंगे, मैं ऑलरेडी लोअर क्लास हूँ। Hey!
पुरुष की नसबंदी कराई जा रही है। ये क्या है सर, कमिश्नर को दी हुई कंप्लेंट बताकर ये अखबार दे दिया। शिट, फिर धोखा दिया इसने मेरे को। समझ में नहीं आता क्या करूं मैं इसको। ऐसे बहुत करते हो, उसका रहने पर किया करो। अंध्र वंदे राजा वन्ना वंदे कार्यक्रम में वो युवा हस्ती से मुलाकात करेंगे जो धीरे धीरे व्यापार की जगत में कामयाब हो रहे हैं। वो है वीरू जी। हेलो वीरू जी। हेलो, कैसे हैं आप? पहले जैसा ही हूँ। ओके, तो आप बता सकते हैं कि आपको इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको किन किन दुश्मनों का सामना करना पड़ा और ये कैसे संभव हुआ? हमसे पूछिए, हम बताएंगे। दिखाई देने वाले भगवान और न दिखने वाले भगवान ने आशीर्वाद दिया। लड़के को भगवान पे विश्वास है। विश्वास? टीवी देखिए। सब लोग दुनिया देखना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सारी दुनिया मुझे देखे। सच्चाई, मेहनत और लगन, ये तीन हथियार लेके मैं आगे बढ़ा। उम्र कम है, ज्ञान ज्यादा है। सब लोग हर महीने अपनी तनख्वाह लेने की सोचते हैं, लेकिन मैं हर महीने तनख्वाह देने की इच्छा रखता हूँ। क्यों नहीं रखेगा रुपए तेरे हैं? वैसे आपके इस तरक्की में और किस किस का हाथ है? एक और है, प्यार, इश्क और मोहब्बत। जो काम करता हूँ उससे प्यार करता हूँ और काम करने वालों से प्यार करता हूँ। सिर्फ इतना ही? मैं तो सोच रहा था कि फ्लैशबैक खोलेगा तेरी तो। ओके सर, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे आज के युवा पीढ़ियों को? मैं कहने ही वाला था, लेकिन आपने पूछ लिया। ए, क्लोज क्लोज क्लोज। किसी भी इंसान को चाहे 10 पैसे ही हो, मेहनत करके कमाना चाहिए, मगर पराए धन में बिल्कुल बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, ये गलत है। थोड़ा और डिटेल में बताएंगे? हाँ, मेहनत से कमाए रुपयों में ही अपनी भलाई है, दूसरों को रुपए में बुराई है। Happy Diwali. Thank you. Happy Diwali. Thank you. यार तुझे देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। पिछली दिवाली को कपड़े खरीदने के लिए रुपए नहीं थे, इस बार हम सबके लिए खरीदने की तेरी हैसियत है और तेरे साथ हम सबको बहुत खुशी है। यार शाम को घर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। okay. शाम को खाने के लिए घर पर आ जाना जरूर, ठीक है? नमस्ते बेटा। नमस्ते, लीजिए। बेटा मेरे चले जाने के बाद मेरे गूंगे बेटे का क्या होगा, ये सोचकर मुझे दुख होता था। आज तुम सबको देख के मेरा गम दूर चला गया। तुम जैसे बेटे को जन्म देने वाले तुम्हारे माँ बाप बहुत खुशकिस्मत है बेटा। चलती हूँ, चलती हूँ बेटा, चलती हूँ। डरता क्यों बेटे, जलाना। तुझे इससे डर लगता है? डरता हूँ, मेरे खानदान में डर नाम की चीज नहीं है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है, जला बेटे, जला, चल जला ना बेटा, डर मत, जला। हाँ आ,
क्यों जी, आप ऐसे क्यों चले आए? थोड़ी देर बाहर रहता तो तुम उसको अंदर बुला लेती ना, इसलिए। सुनिए, उसके लिए हमने कपड़े खरीदे हैं, क्या मैं उसे दे के आऊं? दे दो, लेकिन अगर वो कुछ दे तो मत देना। हाँ। माँ, भैया चले गए माँ। ये टी-शर्ट देके गए। हाँ? डैडी देख के गुस्सा करेंगे, इसलिए कहा अंदर जाके पहनो। माँ, भैया आपके लिए चूड़ियाँ देकर गए। हमें किसी की शराब नहीं चाहिए, हमारे पास आज खुद का पैसा है। चलो। मार 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 को। क्या टेंशन लेता हूँ मैं, स्कूल ड्राइवर को नीचे रखा है, नीचे नीचे नीचे। हाँ नीचे नीचे, क्या है? टाइट कर, ऊपर 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 ऊपर, टाइट, थोड़ा थोड़ा, बस बस बस, अभी स्विच ऑन कर, पीछे है स्विच, पीछे क्या बस, है इतना ही, स्टार्ट हुआ ना, बस, क्यों टेंशन लेते हो इनके लिए, ठीक है, ओके, एक्सक्यूज मी, 1 chicken 65 लीजिए। नहीं चाहिए सर, मैंने दूसरों से लेना बंद कर दिया है। तो गलत नहीं है, लीजिए लीजिए सर। क्वार्टर नहीं सर, डुप्लीकेट होता है सर, फुल बॉटल से लीजिए। हाँ लीजिए, नहीं चाहिए सर, आप नहीं लेंगे तो आपको मेरी कसम। डालिए। थैंक यू जी, अच्छा मौका दिया है। ये क्या है? chicken 65 सर। मैंने chicken 65 के लिए कहा था, 5 पीस भी नहीं है, ऐसा कहते हैं तो लोग हमें गलत समझते हैं। चीयर्स सर। चीयर्स। वाह, आप तो संगीत में खो गए, लगता है संगीत आपको बहुत पसंद है। संगीत मुझे बहुत पसंद है। ये संगीत कहाँ से आता है? हारमोनियम बज रहा है, ट्यों 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 ट्यों, उसके अंदर से। नहीं सर, संगीत वो चीज है जो प्रकृति ने हमारे अंदर दे रखी है। पैदा हुआ बच्चा वाह वाह करके रोता है, वही संगीत है सर। किसी बड़े आदमी को कभी छुरी से मारने पर भी जीता है, वही संगीत है। वो सब छोड़िए सर, संगीत उसके अंदर है, उसके अंदर है, उसके अंदर है। हाँ यही, क्या यही है, अंदर संगीत कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आया? नहीं समझा, इधर आइए। यही संगीत है, वो यही तो संगीत है। आपको बुरा तो नहीं लगा? आपको बुरा तो नहीं लगा? पीजे, पीजे। सर तो फिर संगीत के बारे में और बात करें? नहीं तो, तो ओके, तो अब हम जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। सर, सूरज को किसने टच किया है? सूरज को कौन टच कर सकता है, अभी तक तो किसी ने नहीं किया। मैंने टच किया सर। आपने टच किया? आप पागल ही लगते हैं। अपने बेटे को मैं टच नहीं करूंगा तो क्या तुम करोगे? सॉरी सर, आपको बुरा लगा? बुरा लगा? पीजी। अरे 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 अरे, 3 लाख की फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हो, हवाई जहाज पे खड़े हो गए? बैठो 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 बैठो, बेल्ट बांधो, ये नहीं सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट। मैं सबको समझाते हुए थक गया हूँ, मुझे पागल समझते हैं क्या? रे पौधों को पानी दिया? कौन से पौधे? आसमान पर रहने वाले पौधों को पानी दिया? आसमान पर रहने वाले पौधों को पानी? अगर आसमान पर रहने वाले पौधों को पानी नहीं डाला तो वो सूख जाएंगे, उनके पत्ते जल जाएंगे। तू ये क्या है? तो तुमने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया है? न्यू स्टाइल। ओहो, तो तुमने मरने का फैसला कर लिया और मौत का कारण मुझे बताने के लिए कॉइन जेब में डाला है? कौन सा कॉइन? अगर मैं सबसे कहूंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे। कैसे ठीक करूं इन लोगों को? तू पागल लोग कहेंगे। अरे पता नहीं पागल कहां से आ गया। उसके जाने पर भी तुझको समझ में नहीं आया कि मैं क्यों गया? फ्लाइट को रुके हुए आधा घंटा हो गया, तू अभी तक नहीं उतरा। फ्लाइट को रुके हुए इतना घंटा हो गया, मैं कहां उतरूं है? तू फ्लाइट से नहीं उतर रहा, इसका मतलब तू आतंकवादी, अलकायदा। अरे छोड़ूंगा। कल्याण में एक जगह है जो इंडियन बैंक के पास है, वो जगह कल नीलाम होने वाली है और वो जगह वाटर प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। अगर हम इस जगह को ले लेते हैं तो एक मिनरल वाटर फैक्ट्री लगा सकते हैं।
खरीद लेते हैं। ले तो सकते हैं सर, लेकिन बहुत सारी कंपनियां कंपटीशन में है। हाउ मेनी कंपनीज आर अटेंडिंग? बहुत सी कंपनियां हैं सर, जैसे कि बिस्लरी, गंगा जल, ऑक्सरीच, बहुत सारी। प्रिया एंड कंपनी जिसको खरीदना चाहे, दूसरी कंपनी नहीं आती, डोंट वरी। सर आपने जो कहा था वो सच है, आपके आने की खबर सुनकर कोई भी नहीं आया। देखिए सर, आपके खिलाफ खड़ा होने वाला कोई भी मर्द नहीं है। ये पैसों से भरी हुई है। नमस्कार प्यारे मोहन जी। बीवी बच्चे सब ठीक ठाक? ठीक है। और हाँ, जो रुपए मैंने भेजे मिल गए? कौन से रुपए? आपने फोन नहीं किया? फोन किया? ओ ठीक है ठीक है। सर सर सर, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये हम दोनों के बीच में दरार डालना चाहता है सर। बैठ जाओ। ठीक है सर। सर्वे नंबर 39, 8 एकड़ खाली जमीन है, बैंक को कर्जा और अपना ब्याज चुकाना है, इस कारण से इस जमीन को बेचना पड़ रहा है। बैंक का दाम है 3 लाख, इसके आगे की बोली आप लोग बोलिए। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। ₹25 लाख। ठीक किया ना सर? आखिरी बोली 25 लाख। कोई और बोली लगाने वाला है इससे आगे? ये आखिरी बोली है, 25 लाख दो। चलो। ए, इस सौदे में मेरा 25 लाख का नुकसान हुआ है, फिर भी आई डोंट केयर। मैंने तेरी बोलती बंद कर दी। मिस कॉल देना आसान होता है, बिजनेस करना नहीं, समझे? यही है बिजनेस। सर, मैं वो कमीना इंसान हूँ जिसने बस के अंदर टिकट ब्लैक किया है, आज अपना मुंह खोलकर 25 लाख गंवा बैठे और मैं अपना मुंह बंद रखकर 25 लाख लूट लिया। सर इसे बिजनेस कहते हैं। आपने जो जगह खरीदी जानते हैं वो किसकी है? वो मेरे पिताजी की है, जो कई दिनों से बेच नहीं पा रहे थे। मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए मैंने पेपर में उसके बारे में दिया कि इस जगह में पानी और सोने जैसी चीज है। वो देखिए कितनी खुशी खुशी साइन कर रहे हैं, वही मेरे पिताजी हैं, माय डैडी। इससे आपको क्या समझ में आता है? सर ये जमीन खरीद के हम फंस गए, हम उल्लू बन गए सर। जब कोई बोली लगाने आया ही नहीं तो आपको समझ जाना चाहिए कि जगह ठीक नहीं है। तो तुमने सर को बेवकूफ बना दिया। भैया मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये जाल मैंने आपके लिए नहीं बिछाया। अब तक जो कुछ हुआ वो मेरी चाल थी और अब जो हुआ वो तकदीर। बाय प्यारे मोहन। हेलो वीर बाबू, एक बात पूछू, ये फोन कौन सा है और ये फोन कौन सा है? ये STD है और ये ISG। बेवकूफ, आपने देखा ना? अरे बाप रे। हेलो, गुड मॉर्निंग वीरू सर, कैसे हैं आप? बोलिए गुरु सर। ओ, आवाज पहचान लिया? अगर वो भी नहीं कर सकता तो इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी जायदाद कैसे बना सकता था? उस जायदाद को नुकसान पहुंचने वाला है। नहीं समझ में आया? कुछ बातें समझ में नहीं आती। अपना रूप बदल कर कोई आदमी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। जैसे जैसे आदमी तरक्की करता है मुश्किलें वैसे ही बढ़ जाती हैं, और उसे जो सॉल्व करता है वही आदमी होता है। बकवास बंद कर और बता बात क्या है। ए, शाना मत बन तू। ए, अभी तूने मेरा खड़ा रहना और चलने का ढंग देखा है, लेकिन गुरु का खेल नहीं देखा तूने। जो मैं तेरे साथ खेलने वाला हूँ खेल नहीं, शिकार है। ए, जहाँ बैठता वहीं से वार करता है गुरु। एक बार
अपने दाईं तरफ देख। We are from income tax. We want to search your place. सर मैं वीरू। क्या है मिस्टर हंटर, आवाज कांप क्यों रही है? बहुत मुश्किल में हूँ, बचाइए सर, प्लीज सर। मुझे पता था कि तू मेरे पैरों पे गिरने वाला है, और जो इनकम टैक्स वाले तेरे पास आए थे, जो सवाल किए, उन सब सवालों का जवाब तूने कैसे दिया उनको? मिस्टर वीरू, हमने आपके ऑफिस की पूरी तरह से तलाशी ली, आपके रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर्स, एक्सपोर्ट अकाउंट सब क्लियर है, बट व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर बिजनेस? ये सारा बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया? बैंक से लेने का कोई एविडेंस सबूत नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? कम ऑन टेल अस, स्पीक आउट। आप बोलिए सर, आप बोलिए सर, आप बोलिए सर, बोलिए सर, स्पीक समथिंग, कम ऑन टेल मी प्लीज। आपके सवालों के जवाब देने के लिए बॉस से पूछना पड़ेगा। बॉस? कौन है बॉस? हु इज ही? यही है मेरे बॉस। सच्चाई, मेहनत, लगन, माँ बाप और गुरु, एक शब्द में कहूं तो यही मेरे भगवान है। वेरो, मुझसे लड़ाई? कहां गया तेरा घमंड? मुझे बताएगा अपना पावर? ए, ए! क्या कहा? खेल, शिकार, अच्छे शब्द हैं, मगर टाइमिंग गलत है। तू जिधर बैठता है वहीं मारता है। मैं मारने के बाद बैठता हूँ। अभी अभी क्या कहा तुमने? दाएं देखूं? एक बार अपनी बाईं तरफ देख। मिस्टर गुरु, वीरू ने बताया कि आप उसके बॉस हैं। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो किए हुए एहसान को याद रखते हैं? तो आपके सारे बिजनेस वो देखता है क्या? सच है? नहीं, मैं नहीं जानता वो कौन है, मेरा कोई संबंध नहीं उसके साथ। यकीन नहीं होता तो आप ही बताइए। सी मिस्टर गुरु, वो आपके नाम से बिजनेस करता है, उसके पास इस बात के सारे सबूत हैं। उसने अपने ऑफिस में भगवान की तस्वीर की जगह आपकी फोटो लगा रखी है। हर चाय की दुकान पे माधुरी दीक्षित की फोटो होती है, इसका मतलब वो चाय की दुकान माधुरी की है। इडियट, सॉरी सॉरी बोल रहे हैं। मिस्टर गुरु, क्या आपने उसे इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसके ऑफिस पे रेड होने वाली है? नहीं सर। ठीक है, तो उसने आपको बताया कि हम लोग रेड मार रहे हैं? नहीं। हाँ सर, नहीं सर। आप फोन कीजिए। करता हूँ सर। ये क्या है? आप कह रहे हैं हाँ, ये कह रहे हैं ना, ये सब क्या है? सर सर सर, वो सर की बहन का प्यार का मामला है। What is sister love matter? Excuse me, ये मेरा personal family matter है। Okay okay, क्या आपने वीरू को पैसे दिया है या नहीं? नहीं सर। You shut up। Okay सर। कितने दिए और क्यों दिए हैं? मैंने उसको एक काबिल लड़का सोचा था, इसलिए अपनी। तो फिर उन रुपयों का टैक्स भी आप ही भरोगे ना? हाँ भरूंगा। थैंक यू। थैंक यू। प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व। सर, रकम कितना है देख के भर देना। बहुत लोग हैं जो टैक्स भरते ही नहीं है, और आप टैक्स भरने की बात कर रहे हैं। जो बोला ना तेरा। ठीक है ठीक है, भरता हूँ भरता हूँ। बजा दे उसने। क्या बज रहा है? फोन आया है। जब देखो जाने की बात करती हो, थोड़ी देर रुको ना प्रिया। सुबह से कॉलेज छोड़ के मैं तुम्हारे साथ ही तो घूम रही हूँ। वन मिनट। हे, ये क्या है? बारिश हो सकती है, तुम भीग जाओगे। मैं बिल्कुल नहीं मानती, मौसम इतनी गर्मी का है और तुम कहते हो बारिश होगी। नहीं होगी। होगी नहीं होगी, मैं जाती हूँ, बाय। तुम्हें कैसे पता चला कि बारिश होगी? पता था, लेकिन कैसे? टीवी पर बताया। अच्छा, यही कि बारिश होगी? नहीं होगी। हुँ? हुँ?
जलवा मुझको भी दिखा दे। इनका नाम राहुल है, अमेरिका में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत तनख्वाह है इनकी। ये बड़ा नहीं, छोड़ दीजिए, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। इनका नाम है राजू दिवाकर, इंजीनियरिंग इन लंदन, डन। सुनो, मेरी एक ही बहन है, ऐसा लड़का दिखाओ जो मेरे फोन करते ही 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाए। बस अगर ऐसा है तो मैं हूँ ना। अबे तू उम्र देख लिया, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक बहुत खूबसूरत लड़का बताता हूँ। इनका नाम है वीरू, राइजिंग सन इंडस्ट्री का MD। ये नौजवान एक उद्योगपति है, बहुत बड़ा उद्योगपति, हमने बहुत बार देखा है। सर एक बात बताता हूँ, ये एक राज है, इसके पास पैसा कहाँ से आता है किसी को भी नहीं पता है। हमें पता है ना। सर
ये अपने बिजनेस में कमाल के खेल खेलता है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये। वो किस तरह से खेलता है और कैसा खिलाड़ी है ये तुमसे और मुझसे ज्यादा मालिक जानते हैं। अगर इतना कुछ जानते हो तो अपनी बहन की शादी इससे क्यों नहीं करते। इसके अलावा और कोई भी रिश्ता ला मैं मान लेता हूँ। इस लंदन और अमेरिका वाले लड़के में से एक फाइल कर दे। इसको डिलीट कर, तू जल्दी बंद कर, बंद कर, अरे बंद कर इसे, उठ चलो उठ निकल यहाँ से, निकल जाता हूँ, निकल। उठाया उठाया। ए दलेर मेहंदी का गाना, मुगलाई खाना, बंगाल के रसगुल्ले, कोल्हापुर का चिकन, पंजाबी पराठे, आंध्रा का अचार, शादी के लिए सब कुछ तैयार। लेकिन रिश्ता अमेरिका का है, तेरी किस्मत खराब है। मुबारक हो, मैं भी अपना गाना और डांस बार का डांस तैयार रखता हूँ। सर देखा देखा इसका घमंड, भूल गया सारा प्रेम। ए, 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 पहले शादी होने दे, फिर देखता हूँ तेरे को मैं, तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। ये शादी होगी कैसे? क्यों रे धमकी देता है? सब बकवास है, धमकी देने की हिम्मत उसमें कहाँ है, वार्निंग दे रहा है। ए, 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 तू क्या कर लेगा, मैं देखता हूँ। वेट एंड सी। प्रिया प्रिया प्रिया, क्या है जी? प्रिया के लिए लड़का मिल गया है, मुहूर्त हो ना हो, कुंडली मिले ना ना मिले, शादी तो मैं कर ही दूंगा। ये देखो लड़के की फोटो। भैया क्या हुआ प्रिया? मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने आपसे एक बात छुपाई। भैया मुझसे छुपाई? कौन सी बात है वो? वो जिस दिन मैंने वीरू को आई लव यू कहा उसी दिन हमने रजिस्टर मैरिज कर लिया था। अभी तक ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपा के रखी? प्रिया जब तक मैं ना कहूँ शादी की खबर भैया को मत देना। ऐसे क्यों वीरू? अभी बता देंगे तो उनको कुछ भी हो सकता है, मुझे भी कुछ कर सकते हैं, बेकार में मुसीबतें खड़ी करेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। मर्जी नहीं, प्रॉमिस करो, तुम्हारे भाई जिन्हें मैं भगवान जैसा मानता हूँ, कसम खाओ। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। मैंने आपकी कसम खाई थी भैया, और वो सच मैंने इसलिए छुपा के रखा ताकि आपको बुरा ना लगे। तुमने जो चाहा वही किया, ये सारी बातें मुझसे छुपा के। मैं कैश तैयार करूं? कैश किस लिए? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? संक्रांति के दिन हम पर हमला बोलेगा, दीपावली को भी चुप नहीं बैठेगा, रॉकेट के जरिए बिल्डिंग उड़ाएगा। ए फोन लगा जल्दी। आपने जिस वीरेन को फोन किया है मीटिंग में होने के कारण उन्होंने अपना फोन बंद रखा है, कृपया थोड़ी देर के बाद फिर से कोशिश करें। आपने जिस वीरेन को फोन किया वो मीटिंग के बाद ईटिंग में लगे हैं, इसलिए उन्होंने दोबारा फोन बंद किया है, कृपया आपसे विनती है कि आप फोन कट कर दें। सर मोबाइल के स्विच ऑफ करने के बावजूद उनके नाम से वो क्या काम करते बताएंगे क्या? उसका ऑफिस कहाँ है? लोखंड वाला। अरे रुकिए, तलाशी के लिए कीजिए। क्या कर रहे सर? पैंट उतारिए। पैंट क्यों करूँ? साउंड आ रही है, चेक करना है। तेरा मोबाइल बज रहा है। किधर है वो? किधर है वो? उल्टा सोया हुआ है और हवा पीछे से खा रहा है। क्या उसके लिए भी तेरे को फैन चाहिए? इतना जरूरी है? ए, तो इधर मजे से सोफे में सो रहा है, तेरे को उधर अर्थी में सोना है। चुप रहो। क्या सर, हमेशा टेंशन में रहते हैं, पहली दफा ऑफिस आए आराम। मेरी बहन को अपनी जाल में फंसा के उसके साथ शादी की और अभी नाटक करता है जैसे कुछ जानता ही नहीं। मैंने आपकी बहन के साथ जबरदस्ती नहीं की सर, उसने अपनी मर्जी से शादी की। ए, ए, अभी तक तूने बहुत नाटक किया है, फिर भी मैंने तुझे छोड़ दिया मेरी बहन की खातिर। अगले हफ्ते उसकी असली शादी है और तूने रजिस्टर्ड मैरिज करके जो सारे सबूत अपने पास रखे हैं वो तू अपनी मर्जी से मेरी बहन को वापस दे रहा है, ये लिख के यहाँ साइन कर। नहीं करूंगा सर। साइन कर कि नहीं तू? नहीं करूंगा सर। कर साइन। कर दिया कर दिया। मैरिज सर्टिफिकेट। हट हट।
देखो प्रिया, क्या आज तक मैंने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा? ये घर भी मैंने तुम्हारी मर्जी से बनाया। आखिर मैंने तुम्हारी भाभी से शादी तुम्हारी पसंद के बाद ही की। सब कुछ तुम्हारी पसंद के मुताबिक किया मैंने, तो फिर तुम मेरे दिल को क्यों नहीं समझती हो प्रिया? मुझे बोलने का हक नहीं है, मगर आज तक तुम्हारे भाई ने किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन आज उसके सामने सर झुकाया। मैं होता तो जहर खा के कभी का मर जाता। सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा है। क्या अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो क्या इनसे ज्यादा प्यार करते तुम्हें? तुम्हें उसे भूल जाना होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि उस बेवकूफ ने बोला है। ये देखो तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट, ये डिवोर्स के पेपर है जो उसने साइन करके दिया है तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए। डिवोर्स देने के बाद क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? मैं प्रिया। हेलो प्रिया, कैसी हो तुम? तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कैसी हूँ? तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुमसे शादी की और मुझे दुख देखकर तुम्हें खुशी मिल रही है। प्रिया मेरी बात तो सुनो। बात मत करना प्लीज। प्रिया मेरी बात तो सुनो। मैं फोन रखती हूँ। रुको प्रिया। देखो मैं हर दिन हर पल रो रही हूँ, इसलिए नहीं कि तुमसे प्यार किया, इसलिए कि मैंने एक धोखेबाज से प्यार किया। प्रिया मुझे समझने की। तुम्हें समझने में ही मैंने गलती की। मैं तो यही सोचती थी कि तुम कभी ना कभी वापस आओगे, लेकिन जब तुमने डिवोर्स पेपर्स मैरिज सर्टिफिकेट मेरे भाई को दिया तो। प्रिया वो तो। और कुछ मत कहना तुम, अब हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहा। तुम्हारे जैसे धोखेबाज के लिए रोना छोड़। मैंने ये तय किया कि मैं अपने भाई के पसंद के लड़के से शादी कर लूंगी। सर एक हफ्ते में काम पूरा होना चाहिए। मुश्किल है सर। कुछ भी करो काम पूरा होना चाहिए। प्रिया ने शादी के लिए हाँ कर दी, इस बात से मुझे बहुत खुशी है। इस झटके से आपके विपक्ष पार्टी के पैरों तले जमीन हिलेगी। लेकिन उसकी वजह से मेरी बहन को आगे किसी प्रकार का मसला नहीं आना चाहिए। और क्या मसला हो सकता है सर, वो जाल में फंस चुका है। ठीक है ठीक है, रजिस्टर ऑफिस में जाओ और मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आओ। जाओ। जा रहा हूँ ना। जाओ। अरे भाई 21-22-23 को तो कोई शादी नहीं हुई। आप छुट्टी पर गए होंगे, आप जरा इसे गौर से देखिए, इस पर स्टाम्प भी लगा हुआ है। ये कोई शादी का सर्टिफिकेट नहीं, ये तो शॉपिंग सेंटर का बिल है। शॉपिंग सेंटर? ये मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, शॉपिंग का बिल है। क्या? आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। ओ, शॉपिंग का बिल है। बैठ। सर? बैठ। सर। वो नकली है, उसका दिया हुआ सर्टिफिकेट भी नकली है। उसने साफ कर दिया कि वो कुछ भी कर सकता है। मैंने अपनी बहन के लिए क्या कुछ नहीं किया? एक 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 सिर्फ एक। सर। प्यारे मोहन, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मैंने उसके जैसा क्रिमिनल कभी नहीं देखा। जब तक वो जिंदा रहेगा मैं चैन से जी नहीं सकता। प्रिया की शादी होने से पहले उसकी जान चली जानी चाहिए। क्या कहना? मुझे मेरी बहन की खुशी चाहिए। उसे मार दो। सर खत्म कर डालो उसे। वेलकम वेलकम। थैंक यू थैंक यू।
आदमियों को मार चुका हूं, आपको मारना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों रे, झगड़ा करके शादी को रोकना चाहता तू? ए, सच बता करे, शादी करवा रहा हूं मैं। ये शादी नहीं होती। ए, प्रिया को छोड़ने के लिए तूने मेरे से रुपए लिए थे, अब क्या करने आया तू यहाँ? सर, मैंने रुपए प्रिया को छोड़ने के लिए नहीं, अपने प्यार को जीतने के लिए लिए। आप ही ने तो कहा था सर, आपकी बहन को गाड़ी, बंगला, धन दौलत चाहिए। आज वो मेरे पास है। ए, वो सारी चीजें खुद के पैसे से कमानी चाहिए थी तुझे। मेरे पास खुद के रुपए नहीं है सर। जिंदगी में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने की मेरी ख्वाहिश थी। रुपए कमाने का टैलेंट है, खासियत है, लेकिन इस टैलेंट को साबित करने के लिए किसी ने मौका नहीं दिया सर। मौका देने पर ही सर सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। बिजनेस करने के लिए पिताजी से पैसे मांगे, उन्होंने जमीन पर भरोसा किया लेकिन बेटे पर नहीं किया। सर, मैं बैंक में लोन लेने के लिए गया, उन्हें श्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, गारंटी चाहिए कहा। खुद के रुपए से एक कटिंग चाय पीने की मेरी औकात नहीं है सर। तो फिर इतनी सारी चीजें कहां से लाऊंगा? इंसानों पर भरोसा नहीं है। मारवाड़ी की दुकान पर जाते हैं तो वहां 2 ग्राम सोने तक का भाव नहीं है। हम जैसे पढ़े लिखे लड़कों का सर। मैं आपकी बहन से प्यार कर बैठा सर, उसके पास गाड़ी, बंगला, रुपए है कि नहीं, बिना जाने उससे प्यार किया, मगर आपने ये नहीं पूछा कि मुझ में अकल है कि नहीं, काबिलियत है कि नहीं, क्या मैं आपकी बहन को अच्छी तरह रखूंगा या नहीं, आपने ये नहीं सोचा सर। सेटल होने के बाद ही प्यार और शादी की जाती है, तो 25 साल की उम्र तक किसी की शादी नहीं होगी सर, डायरेक्ट 60 साल में ही होगी। अगर उस उम्र में कोई शादी करता है तो उसे परिवार को छोड़कर अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा सर। उस दिन आपने कहा था सर कि मैं 1 महीना कमाऊंगा तो आपकी बहन 1 टाइम का खाना खा सकती है। आज मेरी 1 दिन की कमाई से आपकी बहन पूरे महीने खा सकती है। मैंने सोचा था कि हैसियत में आपकी बराबरी करने के बाद आपकी बहन से शादी करूं, मगर मेरे पास आपकी तरह बाप दादा की जायदाद नहीं है सर। मेरे पास सिर्फ एक ही जायदाद है, वो है मेरा प्यार। उसी को मैंने आपके पास गिरवी रखा और रुपए लिए, उन्हीं रुपए से बहुत रुपए कमाए। लीजिए सर, आपके दिए हुए रुपए को ब्याज समेत लीजिए, मगर मेरा प्यार मुझे लौटा दीजिए। मेरा रुपए लेने का तरीका शायद गलत था, 100 रुपए कमाने का रास्ता तो सही था सर। मैं प्रिया के लिए घर बना रहा था, घर बनाने के बाद आपके पास आकर सच बताकर प्रिया को ले जाना चाहता था सर। आप जितना चाहते हैं उससे ज्यादा प्रिया का ख्याल रखूंगा, मुझे प्रिया की मंजूरी से बढ़ के आपकी मंजूरी चाहिए। पर शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं था, प्रिया और मेरे बीच कोई संबंध नहीं है, ये लिखकर साइन करवा लिया। अब वो पेपर मैं ही दे रहा हूँ, लीजिए सर। ए, रुक। मुझे तू पसंद नहीं आया, तेरा बर्ताव, तौर तरीका कुछ भी पसंद नहीं, मगर एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में तू मुझे जरूर पसंद आया। अगर तू चाहता तो मेरी बहन को अपने साथ उसी दिन ले जाता जिस दिन तूने शादी की, लेकिन मेरी इज्जत के लिए यहां पर तू आया। मेरे सेंटीमेंट को समझा तू? समझा तू?
तेरी जगह कोई और लड़का होता तो प्यार को बेचकर रुपयों के साथ ऐश करता था, लेकिन तेरे में चाहत थी इसलिए तू बिजनेस में कामयाब हुआ, इसलिए तेरा प्यार मुझे अच्छा लगा। मेरी बहन को तू मुझसे भी ज्यादा खुश रख सकता है ये मैं जान गया, इसलिए तू मुझे पसंद है। भैया राजी हुए लेकिन मैं इनकार करती हूँ। प्यार कोई चीज नहीं जिसे या तो गिरवी रखो या बेच डालो। प्रिया मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें खुश रखने के लिए किया। मैंने कभी अपनी खुशी की बात की? मैंने कभी कुछ मांगा? कार चाहिए, बंगला चाहिए? तुम्हारे पास कुछ ना होते हुए भी तुमसे प्यार किया। प्यार करते समय किसी चीज की जरूरत नहीं होती, शादी करने के बाद हर एक चीज की ख्वाहिश होती है। इसलिए बाद में दुखी होने से बेहतर यही होगा कि अभी हम मुश्किलों को झेलें और बाद में खुशी से रहें। मैंने सोचा कि तुम्हारे भैया की नजरों में कामयाब बनूं, इसलिए तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया मैंने। तुम चाहे जो भी सफाई दो, तुमने जो किया वो गलत है। गलत तो है प्रिया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जुदाई के गम में मैं कितने दिनों तक रोती रही पता है? अब तुम मेरी जुदाई में जिंदगी भर रोते रहोगे। तुम गुस्से में ऐसा कह रही हो लेकिन तुम्हारे मन में मैं ही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये सच है तो शादी कर लो। जिंदगी में कोई भी पति इतना भाग्यशाली नहीं होगा कि अपनी पत्नी की शादी होते हुए देखेगा। मैं देखूंगा। अरे प्रिया, हाय। हाय। क्या तुम्हारा भाई है? नहीं है। ओह, आई एम वीरू, वीरेंद्र। आई एम जूली। व्हाट अ नाइस नेम। थैंक यू। ए, वीरू। तुम्हारा हाथ बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्टवेयर से है। ओह, व्हाट अ नाइस हैंड। सच कह रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगी। लिया, 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 रुपए दीजिए। रुपए? अभी तो अच्छे इंसान बनने के लिए बड़े बड़े डायलॉग मार रहे थे, फिर से रुपए मांग रहे हो? एक रुपए दीजिए, आपका हाथ लकी हाथ है। ओके ओके। एक रुपए का क्या करोगे? अठन्नी काफी है, अनिल अंबानी से आगे निकल जाएगा। जाएगा नहीं, जाएंगे जाएंगे ना। हाँ, जाएंगे। लीजिए, सारी दुनिया को जीत लूंगा। कैसे? कॉन्फिडेंस सर, कॉन्फिडेंस।